यहीं पर एक कांस्टेंट की जब वैल्यू आती है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको मैं कैपिटल आर बोलता हूं और एन मोल्स हो जाए तो इट विल विकम पी वी बराबर NRT. ये क्या कहता है कि भाई अगर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर तीनों कॉन्स्टेंट है ना ये जरा चेक करते हैं यहाँ पे क्या होगा इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटरेचर राइट तो ये basically constant volume पर वर्क करता है कि अगर volume constant होगा, pressure जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ये हमारा है। पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनसीआर वाला मेरे प्यारे बच्चों पे सीरीज में आज हम लोग कवर करेंगे अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ही प्यारा चैप्टर है पिछले चैप्टर का हल्का फुल्का एप्लीकेशन भी यहां पर होने वाला है राइट सो so, आइए हम लोग आज का ये डिटेल्ड वन शॉर्ट सेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं पूरा चैप्टर आपको इन डेप्थ आज समझाने वाला हूं अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं राइट तो सबसे पहले बेटा चैप्टर में स्टार्ट होता है बॉयल्स लॉ तो सबसे पहली बात यही आती है सर बॉयल्स लॉ क्या है देखो किसी भी आइडियल गैस के लिए बॉयल साहब ने लॉ बनाया था बॉयल्स लॉ ये कहता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है राइट यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट है इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट Then we can write as पी वी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट मतलब शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो यही हमारा बेटा बॉयल्स लॉ होता है फिलहाल इस स्लाइड में मैंने आपको काफ़ी डेप्थ में बॉयल्स लॉ समझाने की कोशिश किया है पढ़िए इट इज़ द फंडामेंटल गैस लॉ डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट बॉयल इन सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी टू इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ द गिवेन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट यानी कि अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू प्रेशर होता है ठीक है वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाता है प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बेटा कॉन्स्टेंट आएगा तो वॉल्यूम जो है वो के टाइम्स अपॉन पी हो जाएगा यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम पी वी इज ऑलवेज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो पी वी बच्चा कॉन्स्टेंट यहां पर दिखाया जा रहा है ठीक है अब किसी भी गैस के दो स्टेट्स पर अगर हम देखेंगे तो पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू दिस इज कंडीशन फॉर दिस राइट अब ग्राफ की बात कर रहे हैं देखो प्रेशर और वॉल्यूम में अगर आप ग्राफ को बनाते हो तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ में आप देखो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा तो ग्राफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है ठीक है और अगर मैं प्रेशर और वन अपॉन वी पर ग्राफ बनाता हूं प्रेशर और वन अपॉन वी का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं पी बराबर कांस्टेंट है तो प्रेशर बराबर कांस्टेंट अपॉन वी हो जाएगा तो ये एक्चुअलिटी में y बराबर एम एक्स टाइप का हो गया क्योंकि p इज इक्वल टू के टाइम्स वन अपॉन वी बन जाएगा बेटा सो so वाई बराबर m into x, क्योंकि ये x पर है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन राइट तो सिंपली इस तरीके से बेटा दोनों ग्राफ्स को बनाकर दिखाया जा सकता है नेक्स्ट लॉ हमारे पास है चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है राइट right? तो इसको भी शॉर्ट में अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं तो वो ये है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये जो रेशियो है दिस रेशियो इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट राइट right? तो हम लोग यहां पर देखो इसको लैंग्वेज में क्या लिखने वाले हैं वी विल राइट हियर दिस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इट वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर चार्ल्स इन 1787 पहले वो वाला दिया गया था फिर चार्ल्स लॉ दिया गया इट स्टेट्स दैट प्रेशर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ अ गैस और डिक्रीजेस बाई वन अपॉन टू ऑफ इट्स वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस फॉर ईच वन डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन टेम्परेचर मतलब ये यहां पर एक्चुअलिटी में बता रहे हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा राइट तो इन्होंने वॉल्यूम की वॉल्यूम के लिए हमको एक फार्मूला भी बता दिया डायरेक्ट फार्मूला है इन्होंने कहा कि वॉल्यूम की वैल्यू टी डिग्री सेल्सियस पर होती है वी नॉट यानी वॉल्यूम एट जीरो डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट में वन प्लस

नहीं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो ये वही वाली बात लिखी है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अब यहाँ पर भी बेटा ग्राफ की बात आई कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वॉल्यूम के जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बट ये बात ध्यान रहे कि प्रेशर विल रिमेन कॉन्स्टेंट राइट right? नेक्स्ट है बेटा गेल लॉ गेलोक्स लॉ क्या कहता है हमारा दिस लॉ गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो इस लॉ में ये बेसिकली कहा गया कि अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रहे हो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट अल्लाह हमारा कहता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर यानि कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है बेटा दैट रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट तो जैसे अभी इसके पहले वाला लॉ तो पढ़ा था ना हमने बिल्कुल वैसा ही हंड्रेड परसेंट वैसा ही लॉ ये वाला भी है तो बिल्कुल उसी तरीके से एक ये लैंग्वेज है हमारे पास ठीक है ये प्रेशर का फॉर्मूला है कि जीरो डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर अगर पता है तो टी डिग्री सेल्सियस पर आप प्रेशर निकाल सकते हो राइट और साथ ही साथ ये हमारे पास लैंग्वेज है इस लैंग्वेज में कह रहे हैं वॉल्यूम रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो इस तरीके से आप बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ गेलैन

ठीक लेकिन अगर मैंने पी वी बराबर आर टी लिख दिया है इसका मतलब यहाँ पे वन हो गया है सो दिस इज अप्लीकेबल फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस लेकिन बेटा अगर मैं लिख रहा हूं पी वी बराबर आर डिवाइडेड बाई एवागा नंबर N नॉट इन टू टी तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये इक्वेशन वन मॉलिक्यूल के लिए हो गई ठीक है ये इक्वेशन वन एटम के लिए हो गई एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर मैं लिखूं वन मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं तो 6.022 पॉइंट जीरो की पावर 23 होते हैं राइट तो वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स कह लो इतने एटम्स कह लो इतने नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस कह लो राइट वन मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा तो तो अगर मैं से डिवाइड कर दूंगा तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए हो गई और इसी को बोल्डमैन मतलब ए का नाम क्या है बेटा का नाम है बोल्डमैन तो इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम लोग इस टर्म का इस कॉन्सटेंट का कई बार यूज uh, करेंगे राइट बोल्डमैन कांस्टेंट, और इस बोल्डमैन कांस्टेंट क्या वैल्यू भी निकाल सकते हो आर नॉट करके आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है एन नॉट का नंबर आपको पता ही है ठीक है तो ये वैल्यू 1.38 पॉइंट थ्री की पावर माइनस ट्वेंटी ऐसा कुछ करके निकल कर आता है राइट right? और अगर मैं इसी में लिख दू पी बराबर एन ठीक है पी बराबर एन लिख दें तो आप समझ गए होंगे अगर ये इक्वेशन एक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है तो पी बराबर एन इज एप्लीकेबल फॉर एन नंबर ऑफ एटम्स और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इस तरीके से बेटा हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के चार फॉर्म पढ़ते हैं पी वी बराबर एन आर बराबर आर टी बराबर के टी बराबर एन ठीक है इस बात को ध्यान रखना क्लियर चलो अब बात करते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है इस इक्वेशन के डेरिवेशन पर मैंने कहा था ना बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ कंबाइन करके आता है तो सबसे पहली बात देखो क्या है कि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर राइट right? और चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अब अगर दोनों लॉज को मैं कंबाइन कर दूँ इसको भी और इसको भी अगर दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर दोनों की बात हो गई राइट इसका मतलब वॉल्यूम प्रपोर्शनिटी हटाओगे बेटा तो कांस्टेंट आएगा तो वॉल्यूम जो है दैट इज कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर अपॉन प्रेशर इसका मतलब इसको इधर अगर ले आऊंगा मैं तो पीवी अपॉन टी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट पीवी अपॉन टी P प्रेशर है V वॉल्यूम है T टेम्परेचर है पी वी अपॉन T ये जो रेशियो है दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट इसका मतलब किन्हीं भी आइडियल गैसेस के लिए पी वन वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू अपॉन टी टू भी होता है राइट right? और यहीं पर एक कांस्टेंट की जब वैल्यू आती है दैट इज अ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट जिसको मैं कैपिटल आर बोलता हूँ तो ये बन जाता है पी वी बराबर आर टी दैट इज फॉर वन मोल आइडियल गैस और एन मोल्स हो जाए तो इट विल बिकम पी वी बराबर एन आर टी ठीक है तो ये आइडियल गैस इक्वेशन अब बात आई वो जो आर आया था उस आर की वैल्यू क्या है देखो पी वी बराबर है, है, T है. तो, SI अगर इसका लिखोगे, तो ये होता है बेटा देखो प्रेशर इन टू वॉल्यूम वर्क जैसा है ना पी वी सो जूल पर मोल कैल्विन है ना जूल पर मोल कैल्विन राइट और सीजीएस यूनिट होती है कैलरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस राइट जूल पर मोल पर कैलविन या कैलरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस ये इसका सीजीएस यूनिट है अब स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब ये वैल्यूज निकाल रहे हैं हम लोग अगर आर की वैल्यू बताएं कि सर कितनी होती है वैल्यू तो देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रेशर बेटा वन एटीएम के बराबर होता है वन एटीएम प्रेशर जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर है ना वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम के प्रेशर के भी बराबर होता है 76 सेंटीमीटर को 0.76 मीटर ऑफ मरकरी कॉलम लिख सकते हैं किसी भी मरकरी कॉलम वाटर कॉलम लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है बेटा दैट इज इक्वल टू एच जी राइट right? जहां पर एच क्या है 76 सेंटीमीटर रो क्या है डेंसिटी ऑफ मरकरी और जी आप जानते हैं तो ये था हमारा 0.76 मीटर मरकरी की डेंसिटी बेटा 13.6 पॉइंट सिक्स की पावर थ्री होती है और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 के बराबर राइट right? तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे टेम्परेचर हम लोगों ने स्टैंडर्ड कितना मान लिया टू सेवेंटी के बराबर ये बात ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 273 सेवेंटी कैलविन होता है 273 सेवेंटी कैलविन का मतलब जीरो डिग्री सेल्सियस को आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान रहे हो और स्टैंडर्ड वॉल्यूम जो होता है बेटा वो 22.4 लीटर्स के बराबर होता है 22.4 लीटर के बराबर होता है और मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना चाहूंगा कि वन लीटर जो है वो टेन की पावर माइनस थ्री मीटर क्यूब के बराबर होता है तो कभी भी लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो यूजिंग दिस फार्मूला आप कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 लीटर है तो उसमें टेन की पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि आर क्या था पी वी है ना पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट तो प्रेशर हमें पता है हमको वॉल्यूम पता है हमको टेम्परेचर पता है इनका जब रेशियो बेटा निकाला गया तो रेशियो निकल कर क्या आया है एट पॉइंट थ्री वन फोर एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल पर कैल्विन के बराबर राइट एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर मोल पर कैल्विन यूनिट याद कर लो ठीक है आर की वैल्यू एकदम रट डालो अब जरूरी नहीं कि हमेशा जूल में ही वैल्यू को यूज किया जाए हो सकता है कैलरी में भी यूज किया जाए ठीक है यहां लिखा नहीं है बट वन कैलरी जो है वो फोर पॉइंट टू जूल के बराबर है वन कैलरी जो है वो फोर पॉइंट वन एट या फोर पॉइंट टू जूल्स के बराबर बेटा होता है तो इसको आप कैलरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कैलरी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है लगभग टू आता है बट मैं फिर भी आपके सामने निकाल के दिखाना चाहूंगा एट पॉइंट थ्री वन देखो पॉइंट थ्री वन फोर डिवाइडेड बाई फोर तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1.99 पॉइंट राउंड ऑफ करोगे जिसको राउंड ऑफ करके 2 बोल सकते हैं सो दैट इज बेसिकली 1.99 पॉइंट ठीक है 1.99 कैलोरी पर पर मोल ठीक है पर केल्विन ये इसका दूसरा वैल्यू है ठीक है ये कह लो आप इसका सीजीएस यूनिट है है ना इस तरीके से हम कैलोरी में भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं तो आर की जो वैल्यू है ना बेटा वो डिपेंड करता है कि प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट क्या ले रखा है जैसा प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट होगा जैसा टेम्परेचर आपने लिया होगा उसके बेसिस पर मैं आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट बेटा यहाँ पर करूंगा राइट तो ये आर मतलब ये स्लाइड आपकी इंपॉर्टेंट है वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वैल्यू इंपॉर्टेंट है उसका यूनिट क्या है ये यूनिट इंपॉर्टेंट है कई बार बच्चों से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है राइट right, अब आया कंसेप्ट सर आइडियल गैस क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आइडियल uh, गैस का मतलब कोई भी ऐसा गैस जो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को हर कंडीशन में फॉलो करे उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस सो गैस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पी बराबर बराबर क्योंकि बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को ही कंबाइन करके ये क्वेश्चन हमारा आया है पीवी बराबर एनआरटी फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस और परफेक्ट गैस आइडियल गैस को ही हम लोग परफेक्ट गैस भी कहते हैं किसी भी आइडियल गैस में देखो दो ऑज्पशंस होते हैं सबसे पहला ऑजम्प्शन है द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबली स्मॉल यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा ठीक है जैसे मान लो गैस इतने एक चैम्बर में भरा हुआ है इस पूरे चैम्बर में गैस भरा हुआ है तो है बेटा यहाँ पे गैस के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ठीक है गैस के बहुत सारे यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे लाइक दिस राइट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के इन मॉलिक्यूल्स का इंडिविजुअली जो वॉल्यूम है अगर कोई बोले कि भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या है तो गैस का वॉल्यूम वही है जो इस कंटेनर का वॉल्यूम है इस चैम्बर का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है बट मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस राइट दूसरा है देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल यानी कि इंटर मोलिकुलर फोर्स कितना है बेटा जीरो के बराबर इंटर मोलिकुलर फोर्स कितना होता है यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो जीरो के बराबर यहां पर होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स इज इक्वल टू जीरो राइट right? यानी कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा इन मॉलिक्यूल्स के बीच में नॉर्मली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना बट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स नहीं होता है और आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ रखा है कि जो फोर्स है जो फोर्स एफ होता है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज माइनस डी यू बाई डी टी अब खुद ही सोचो बेटा अगर सॉरी माइनस डी यू बाई डी आर अगर फोर्स ही नहीं है अगर फोर्स की वैल्यू ही जीरो है यही कारण है कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड है ना नॉट डिफाइंड फॉर आइडियल गैस किसी भी आइडियल गैस के लिए हम लोग किसी भी आइडियल गैस के लिए बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन ही नहीं करते हैं राइट सो एफ इज इक्वल टू माइनस का डी यू बाई डी आर होता है एंड फॉर परफेक्ट आइडियल गैस फॉर आइडियल गैस वी डज नॉट डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी यानी सिंपली आप कह लो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो होती है यानी कि आइडियल गैस की जो भी एनर्जी है वो सारी एनर्जी प्योरली काइनेटिक होती है इट right? तो आइडियल गैस के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है लेकिन रियल गैसेस में भैया ऐसा नहीं है रियल में दोनों चीज होगी हाउ एवर नो रियल और एक्चुअल गैस फुलफिल फुलफिल द द मतलब कोई भी रियल गैस ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है क्योंकि यानी कि कोई भी गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो सबसे ज्यादा पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड ये कतई जो है आइडियल गैस नहीं होती है हेंस द बिहेवियर ऑफ द रियल गैस डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द आइडियल गैस एट लो प्रेशर

आइडियल गैस। नेक्स्ट है बेटा अब यहां पर इन कंसेप्ट बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहे हैं मर्की तो बेटा एक ये ट्यूब है एक ये ट्यूब है 80 सेंटीमीटर ट्यूब है आधा जो है इसका यानी कि जो 40 सेंटीमीटर है वो मैंने मर्करी में डिप किया ठीक है टोटल लेंथ इसका कितना था 80 सेंटीमीटर का ये ट्यूब था फिलहाल इसको मैंने मर्करी में डिप कर रखा है देन टॉप ऑफ द ट्यूब इज क्लोज ठीक है इसके टॉप को मैंने क्लोज कर लिया तो इसके अंदर अभी क्या भर चुका होगा एयर इसके अंदर एयर भर चुकी होगी एंड इट इज टेकन आउट ऑफ मरकरी अब मैंने इसको लगाया इसको अब मैं बाहर कर रहा हूं टेकिंग आउट ऑफ मरकरी अ कॉलम ऑफ मरकरी 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द ट्यूब ट्यूब इस में 22 सेंटीमीटर लेंथ का मरकरी कॉलम रह गया यानी कि अगर ये ट्यूब थी तो अब इस ट्यूब में बाईस सेंटीमीटर की लेंथ तक क्या है मरकरी है यहां पर क्या है मरकरी एच जी राइट और अभी ये ऊपर टॉप पे मैंने क्या लगा रखा है समझ लो समझ लो अंगूठा लगा रखा है प्यारा अंगूठा है <laughs> राक्षस का ही लग रहा था लेकिन कोई बात नहीं चलो ठीक है अरे समझ लो यार अंगूठा लगाया है ठीक है मेरी आर्ट बहुत अच्छी है आप लोग समझ गए होंगे तो ये एक अंगूठा लगा हुआ है फिलहाल जूता लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं <laughs> ये 22 सेंटीमीटर है राइट right? अब यार रिमेनिंग कितना रहा होगा बेटा 80 में से अगर मैं 80 में से 22 घटाऊंगा तो ये आई थिंक 58 है ना 58 सेंटीमीटर आई थिंक बनेगा 58 सेंटीमीटर लेंथ में बेटा अभी क्या भरा हुआ है एयर ठीक है ये एयर भरा हुआ है अब अपने को सोचना है कि आखिर हम क्या करें क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व होगा देखो सबसे पहली बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमसे पूछ रहे हैं कितना होगा यहां पर जब एयर था तो यहां का जो प्रेशर रहा होगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहा होगा राइट तो हमसे यही समझने की कोशिश है भैया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा एक बात समझो ये काम करने में कि भैया ट्यूब आपने इंसर्ट किया मरकरी में फिर आपने ट्यूब बाहर निकाला अंगूठा लगा करके थोड़ा सा मरकरी इसमें आ गया है राइट ये होने में बेटा टेम्परेचर कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट तो आपको लिखना चाहिए एज वी नो एज वी नो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट एज वी नो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इन दिस केस इस केस में बेटा टेम्परेचर कैसा है कॉन्स्टेंट अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पी वन वी वन मस्ट बी इक्वल टू पी टू वी टू पी वन वी वन पी टू वी टू के बराबर होना चाहिए पहले जो प्रेशर था बेटा वो कितना था हमारा पी नॉट के बराबर राइट right? पहले वॉल्यूम कितना था बेटा अगर मैं देखूं तो पहले वॉल्यूम एयर का है भाई अगर मैं ट्यूब का एरिया ए मान लूँ तो ट्यूब का जो लेंथ है वो पहले कितना था चालीस सेंटीमीटर एयर का राइट बाद में जो प्रेशर है आप सोचो बाद में जो प्रेशर रहा होगा वो पहले से कुछ घट गया ना भाई बाईस सेंटीमीटर की लेंथ में बाईस सेंटीमीटर की लेंथ में तो क्या आ गया मरकरी आ गया तो अभी जो प्रेशर अंदर का है वो कंपैरेटिवली कम हो गया होगा आप एक बात सोचो अभी क्या है ऊपर खुला है मान लो तो ऊपर एयर भरा हुआ है आपने अंगूठा लगाया होगा अंदर का प्रेशर कुछ कम हुआ होगा तभी तो ये मरकरी इंसर्ट हुआ अंदर अदरवाइज मरकरी कैसे घुस सकता है अगर मरकरी अंदर एंटर कर गया है मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब मरकरी का प्रेशर ज्यादा था अंदर प्रेशर कम है तो अंदर का जो प्रेशर है वो पी नॉट माइनस ट्वेंटी टू हो गया है और ट्यूब का एरिया अभी भी ए है और एयर का लेंथ अभी कितना है फिफ्टी एट सेंटीमीटर के बराबर ए से ए बेटा कैंसिल है तो ये अल्टीमेटली बन गया तुम्हारा फोर्टी पी नॉट इज इक्वल टू फिफ्टी एट पी नॉट माइनस ट्वेंटी टू के बराबर राइट right है इसको मैं टू से कैंसिल करूंगा ट्वेंटी आएगा इसको भी टू से कैंसिल करूंगा आई थिंक इट इज ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी पी नॉट जो है बेटा वो ट्वेंटी नाइन पी नॉट माइनस ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी नाइन के बराबर आएगा राइट ये इधर आएगा हमारा तो नाइन पी नॉट बन जाएगा ये इधर आएगा तो इट विल बी ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी नाइन तो पी नॉट यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी नाइन होल डिवाइडेड बाई नाइन के बराबर आ जाएगा राइट ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई नाइन वैल्यू आ गई हमारे पास सेवेंटी पॉइंट एट एट इसको ऑलमोस्ट सेवेंटी पॉइंट नाइन सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं राइट आई थिंक ये हमारा आंसर होना चाहिए ये देखो सेवेंटी पॉइंट नाइन सेंटीमीटर के बराबर तो ये हमारा बिल्कुल आ, सही है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में मैं नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को बढ़ा रहा हूँ कई सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊंगा और कई सारे मैं आपको होमवर्क में भी देने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ दैट ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है कुछ ना कुछ कंसेप्ट है देखो यहाँ क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं गया था खास तो हमने कंसेप्ट क्या मान लिया यहाँ पर कि भाई टेम्परेचर कॉन्सेंट रहा होगा यानी कि अपने को बॉयल्स लॉ यहाँ पे फॉलो करवाना है तो हमने बॉयल्स लॉ लगाया पी वन बराबर पी टू राइट right? अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमारे पास और है यहां पर, इस में कह रहे है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ मरकरी ये देखो 15 सेंटीमीटर का मरकरी कॉलम है नीचे बेटा क्या भरा हुआ है आ, कोई भी आप समझ लो एयर भरा है ऊपर भी क्या है भैया एयर है राइट right? पहले ये ट्यूब मतलब सीन था जब ट्यूब हमारा सीधा है ये ट्यूब सीधा है तो ये सीन है कि यहाँ मरकरी है नीचे एयर भरा हुआ है राइट और इस तरीके का सीन है तो मैं एयर को कलर दे दे रहा हूँ भैया एयर का मैंने कलर दे दिया है हाँ ये एयर का कलर हो गया अब नेक्स्ट केस देखो व्हेन द दे ट्यूब इज वर्टिकल विद ओपन एंड अपर मोस्ट एयर कॉलम इज थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग यानी एयर कॉलम तीस सेंटीमीटर का है उसके ऊपर मरकरी है वेन द ट्यूब इज इन्वर्टेड जब ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया गया उल्टा कर दिया गया ट्यूब को द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम बिकम्स फोर्टी फाइव सेंटीमीटर पैंतालीस सेंटीमीटर का बेटा एयर कॉलम हो गया कह रहे हैं कैलकुलेट द एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दो भैया अगेन सिचुएशन वही है टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहां फिर से आप लिखेंगे एज वी नो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू तो एयर कॉलम के लिए पहले आप समझो यहाँ पे प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कुछ पी नॉट के बराबर मैं मान लूँ जब ये ओपन है तो ऊपर से प्रेशर कौन सा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो नीचे होगा मरकरी भी अपना नीचे की तरफ लगाएगा लेकिन गैस ऊपर की तरफ लगाएगी यानी कि ये और ये मिल करके इसको बैलेंस कर रहे हैं समझ रहे हो ये एटमोस्फेरिक प्रेशर और मरकरी कॉलम का जो प्रेशर है दोनों मिलके एयर के प्रेशर को बैलेंस कर रहे हैं तब ये सीन बना होगा तो एयर का जो प्रेशर है pressure, कॉलम जो 15 सेंटीमीटर का है उसका अपना प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया बेटा ए मान लो ट्यूब का और लेंथ कितनी है तीस सेंटीमीटर तो थर्टी मान लो दैट इज इक्वल टू सेकंड केस में आप चेक करो सेकेंड केस में बेटा ये जो एयर भरा हुआ है ये भी नीचे प्रेशर लगाएगा ये भी नीचे लगाएगा बट प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा क्योंकि एयर हमेशा हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है राइट यानी इस बार सीन ये रहा होगा कि एयर का प्रेशर इसका मर्करी का प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइट तो एयर का जो प्रेशर है मैं यहां लिख दू प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल टू प्रेशर नहीं प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्लस प्रेशर ऑफ बराबर प्रेशर ऑफ द एटमॉस पी नॉट राइट तो एयर का प्रेशर यहां पर बेटा इस बार होने वाला है पी नॉट माइनस मर्करी कॉलम मर्करी कॉलम कितना था पंद्रह सेंटीमीटर का राइट एरिया ए है और इस बार लेंथ जो हो गया वो पैंतालीस सेंटीमीटर हो गया ए से ए कैंसिल पंद्रह से काटेंगे दो आएगा इसको काटेंगे तीन आएगा तो ये बन जाएगा बेटा टू पी नाट प्लस थर्टी के बराबर और ये बन जाएगा थ्री पी नॉट माइनस फोर्टी फाइव के बराबर ये पी नॉट इधर आएगा तो इट विल सिंपली बिकम पी नॉट ये इधर आएगा पैंतालीस प्लस तीस करेंगे बेटा तो पचहत्तर सेंटीमीटर मरकरी कॉलम का प्रेशर हमारा एटमोस्फ्रिक प्रेशर बन जाएगा राइट right? तो यहां पर यही कह रहे हैं कैलकुलेटमोस्फ्रिक प्रेशर अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो प्रेशर बेटा 75 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा देखो ये दोनों क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे अगर नहीं समझ में आया ना तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे ले जाओ पहले एक बार देख लो अच्छे से ठीक है मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है अब ये क्वेश्चन इन्हीं कंसेप्ट बेस्ड है तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं होमवर्क में जितने क्वेश्चंस आज आपको देंगे उसका सोल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा राइट तो क्वेश्चन सॉल्व करो सोल्यूशन के साथ उसको मैच करो राइट आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है एज द एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द सर्फेस मतलब ये समझ लीजिए लेक है ये लेक है कोई बबल है जो कि यहां पर है और यहां से वो बबल जो है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड है

कैसे डेप्थ देखा जाए अब यहां समझो अगर कोई भी बबल है एयर बबल है वो नीचे से ऊपर आ रहा है तो बेटा क्या इस प्रोसेस की वजह से टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ना चाहिए नहीं यानी कि अकॉर्डिंग टू बॉइल्स लॉ ठीक है बॉइल्स लॉ क्या कहता है भैया कि अगर यहां देखा जाए तो पी कांस्टेंट होता है राइट तो अकॉर्डिंग टू बॉइल्स लॉ पी वन वी वन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पी टू वी टू के बराबर है यहाँ पर कुछ प्रेशर रहा होगा यहाँ पर प्रेशर राइट तो अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे प्रेशर पी नॉट प्लस एच रो जी के बराबर रहा होगा और यहाँ का वॉल्यूम बेटा वी रहा होगा ऊपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ठीक है टॉप पर प्रेशर और वॉल्यूम इसका कितना है बेटा टू वी के बराबर तो वी से वी कैंसिल हो गया ठीक है तो P नॉट प्लस एच रोजी दैट इज इक्वल टू टू पी नॉट राइट तो एच रोजी जो हमारा है ये बेटा P नॉट के बराबर निकल कर आ गया राइट है एच मतलब वही डेप्थ है तो ये जो डेप्थ जिसको मैंने यहां डी से लिखा है उसी डेप्थ को मैं वहां पे एच से लिख रहा हूं तो एच रोजी हमारा पी नॉट के बराबर है पी नॉट के एटमोस्फिर प्रेशर है राइट एटमोस्फिर प्रेशर कितना होता है बेटा 76 मरकरी कॉलम 76 सेंटीमीटर में आप 100 का डिवाइड करेंगे मरकरी की डेंसिटी होती है 13.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर थ्री के बराबर जी की वैल्यू आप 9.8 ले लीजिए दैट इज इक्वल टू एच रो जी तो डेप्थ एच मान लेते हैं इस बार डेंसिटी किसकी होगी बेटा ये जो एच रो जी है ये किसका है हमारा ये किसका है हमारा लिक्विड का है ठीक है तो लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी टेन की पावर थ्री के बराबर होती है और यहाँ भी आप जी रखेंगे तो जी को भी मैं फिर से नाइन पॉइंट एट ही रखूंगा तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये दोनों कैंसिल हो जाएगा एच की वैल्यू बेटा ये निकल कर आ जाएगी आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सो दैट विल बी सेवेंटी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई थर्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है होल डिवाइडेड बाई हंड्रेड वैल्यू बेटा एच की निकल करके आ गई यानी डेप्थ निकल करके आ गई टेन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स मीटर के बराबर मीटर के बराबर ये उस लेक की डेप्थ निकल कर आ गई देखो टेन पॉइंट थ्री फोर मीटर के बराबर राइट ये जो है उस पूरे लेक की गहराई हमारी निकल कर आ गई है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है ये मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा ठीक है इन्हीं कंसेप्ट बेस्ड है राइट क्वेश्चन को पढ़िएगा ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सोल्यूशन आपके पास है सीधे बस वही इक्वेशंस लगानी है ठीक है और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसके बाद है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ द आइडियल गैस किसी भी आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी जो कि इस चैप्टर का मेन काम है ठीक है यानी चैप्टर का एक पार्ट जो छोटा सा था जिसमें लॉज हमने पढ़े आइडियल गैस पढ़ी इक्वेशन पढ़ी ठीक है उन पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन हमने पढ़े वो एक पार्ट कंप्लीट हो गया अब हम लोग काइनेटिक थ्योरी की तरफ बढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी क्या है ठीक है थ्योरिटिकल चीज़ है? 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 है पढ़ो जरा ऑल मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स हर एक हर एक मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल ऑफ द गैस आर इन स्टेट ऑफ रैपिड एंड कंटिन्यूस मोशन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ठीक एंड देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर उनकी जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है मेनली यही हमारा काइनेटिक थ्योरी होता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी बेटा बढ़ती चली जाएगी यूजिंग दिस मॉलिकुलर मोशन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस लाइक प्रेशर टेम्परेचर एनर्जी एक्सेट्रा कैन बी एक्सप्लेन इसके बेसिस पर हम प्रेशर टेम्परेचर गैस की एनर्जी सब बताएंगे हेंस दिस थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज विच वॉज डेवलप्ड बाई क्लॉसियस एंड मैक्सवेल तो दो साइंटिस्ट थे क्लॉसियस और मैक्सवेल जिन्होंने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को प्रपोज किया था इन्होंने ही इसके बारे में बताया राइट right? भाई इसको मैं सेव कर ले रहा हूं नहीं पता चला तुम्हारा नोट्स जो है गायब हो जाए ठीक है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मेनली हम टेंपरेचर का इफेक्ट देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल्स में की जो स्पीड है गैसेस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है उन पर हम इफेक्ट देखेंगे हीट का टेम्परेचर का राइट सो बेटा अब आ जाओ इसके अजम्पन पर सबसे पहला अजम्पन मेरे प्यारे बच्चों क्या है ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ठीक है द मॉलिक्यूल्स आर रिजिड इलास्टिक स्फीयर्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स फॉर गिवेन गैस एंड डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज यानी किसी भी एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे उनको मैं इलास्टिक स्फियर मानूंगा जिसकी रेडियस होगी वॉल्यूम फोर बाई थ्री बाई आर क्यूब के बराबर होगा राइट right? लेकिन अलग अलग गैसेज के लिए फिर मालिक्यूल्स अलग अलग हो जाएंगे साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लीजिबल एज कम्पेर्ड विदरेज डिस्टेंस बिटवीन द मालिक्यूल्स ठीक है मालिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स दूर दूर होते हैं राइट मालिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विदऑ जब ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं तो इन मोलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन भी होता रहता है मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकता है ठीक है और दीवार से भी कोलाइड करेगा आपस में भी कोलाइड करेगा उससे उनकी वेलॉसिटी और डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है नेक्स्ट है आर परफेक्टली इलास्टिक उनका जो कोलिजन है बेटा इस कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अज्यूम करते हैं और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब है इन दिस टाइप ऑफ कोलिजन देयर मस्ट बी कंजर्वेशन ऑफ देयर मस्ट बी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा मेरे प्यारे बच्चों और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी ठीक है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही यहां पर कंजर्व रहती है एंड देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द हेंस ऑल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैसेज काइनेटिक ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी उनके बीच में इंटर फोर्स नहीं है बेटा इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है इसलिए सारी एनर्जी कैसी है काइनेटिक एनर्जी है बिटवीन टू कोलिशन मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म वेलॉस्थी द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाई द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ यानी मॉलिक्यूल एक बार मान लो किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ मान लो एक बार मॉलिक्यूल ने यहाँ पर किसी मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ फिर वो इधर की तरफ मूव कर गया यहाँ जाकर कोलाइड हुआ फिर वो इधर मूव कर गया यहाँ कोलाइड हुआ तो ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है इन डिस्टेंसेस का जो एवरेज होता है उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं और मीन फ्री पाथ को हम लोग लेमडा से डिनोट यहाँ पर करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में राइट लास्ट पॉइंट हमारे पास है कोलिजन जो है ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है यानी कोलिजन तुरंत होता है द टाइम ड्यूरिंग अ कोलिजन लास्ट एज नेग्लिजिबली कंपेयर टू द टाइम ऑफ द फ्री पाथ बिटवीन द मॉलिक्यूल यानी कि यहां कोलिजन करके मॉलिक्यूल यहां जाएगा यहां से यहां में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज ग्रेटर देन द टाइम ऑफ कोलिजन इस जगह पर जो कोलिजन होगा ना उसका जो टाइम होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू दिस टाइम राइट इन स्पाइट ऑफ द मोलिकुलर कोलिजन डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द गैस कह रहे हैं कि मोलिकुलर कोलिजन जरूर हो रहे हैं लेकिन पूरे गैस की जो डेंसिटी है बेटा वो यूनिफॉर्म है यानी कि अगर एक गैस इतने चैम्बर में भरी हुई है इस चैम्बर में मान लो गैस भरी हुई है और मैं इस चैम्बर का आधा पार्ट कर दू मान लो आधा आधा पार्ट मैंने कर दिया तो अगर यहां पर मैं कहूं कि भाई टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे तो एन बाई टू यहां पर है बेटा और एन बाई टू यहां पर है राइट यानी आधा आधा जब तुमने चैंबर लिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आधे आधे हो गए ठीक है टोटल अगर 100 मॉलिक्यूल्स थे तो 50 इधर होंगे और 50 इधर की तरफ होंगे राइट तो मॉलिक्यूल आधा आधा डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ठीक है तो इसका मतलब यही है कि बेटा उसकी जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट यहां पर यहां पर दोनों तरफ जो डेंसिटी है चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो दैट डेंसिटी इज कांस्टेंट राइट पूरे वॉल्यूम में बेटा जो डेंसिटी है इसकी गैस की वो कॉन्स्टेंट बनी रहेगी फिर यहाँ पर यह आ रहा है कि सर कोई भी गैस जो है वो प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है तो देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर इधर उधर मूव करते रहेंगे तो वो मूव करते करते जाएंगे और जो उनकी सराउंडिंग जो कंटेनर की जो दीवारें होंगी वॉल्स ऑफ कंटेनर होंगी उस कंटेनर में भी जा कर के भिड़ेंगे जब वो मॉलिक्यूल कंटेनर में जा कर के भिड़ेगा तो वो वहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करेगा उसकी वजह से फोर्स क्रिएट करेगा उस फोर्स की वजह से वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है तो अगर मैं एक एक आपको यहाँ डायग्राम बना के समझाऊँ तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा बात समझना है? अब देखो जरा मैं यहां पर आपको एक दीवार दिखा रहा हूं ये ये फ्रंट वॉल है ठीक अब यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं भाई ठीक है ये मॉलिक्यूल कोई यहां पर है कोई ऐसे जा रहा है कोई मॉलिक्यूल यहां पर है वो इधर जा रहा है कोई ऐसे है वो सीधे ही जा रहा है कोई इधर की तरफ जा रहा है कोई उधर जा रहा है हर तरफ जाने की कोशिश करेंगे किसी एक मॉलिक्यूल को तुम कंसीडर कर लो मान लो ये जो मॉलिक्यूल सीधे सीधे जा रहा है ये मॉलिक्यूल जाएगा बेटा वो यहाँ इससे भिड़ेगा दूसरा वाला भी भिड़ेगा इधर भी भिड़ेगा इधर भी भिड़ेगा इधर भी भिड़ेगा इधर भी भिड़ेगा ये किसी एंगल पर भी कोलाइड हो सकते हैं जरूरी नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर ही कोलिजन होगा बट कोलिजन कैसा भी हो ये कोलिजन होने की वजह से इस दीवार के ऊपर बेटा कुछ ना कुछ फोर्स एग्जैक्ट होगा ठीक है फोर्स एग्जर्ट होगा दीवार का एरिया है ही है तो दीवार के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो यहां पर आंसर बड़ा सिंपल सा है भैया इसी चीज को हमने यहां पर थ्योरी में लिख रखा है आप इस थ्योरी को पढ़िएगा इस थ्योरी को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि भैया कोई भी गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करता है यहां पर मैंने एकदम सिंपली आपको ईजी लैंग्वेज में इजी डायग्राम से मैंने समझा दिया है तो ये सारा जो कोलिजन है दैट इज ड्यू टू सॉरी ये जो सारा प्रेशर है दैट इज ड्यू टू मोलिकुलर कोलिजन मोलिक्यूल के कोलिजन की वजह से ही यहां पर सारा प्रेशर आइडियल गैस बेटा एक्सर्ट कर रहा होता है अब बेटा जो हम लोगों को पढ़ना है दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी आइडियल गैस ठीक है उसका कांसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वहां कोलिजन होता है उस कोलिजन की वजह से ही सारा खेल हो रहा है ठीक है बट यहां पर देखिए मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूं देखिएगा डिराइव करके दिखा रहा हूं लेट अस सपोज एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर से मैं फॉर्म कर रहा हूँ एक क्यूब इस क्यूब का जो लेंथ है लेटर सपोज वो एल के बराबर है इसका ये लेंथ लेटर सपोज एल के बराबर है ठीक और इस क्यूब के एक वर्टेक्स पर मैं कोई एक गैस का पार्टिकल मान लेता हूँ हालांकि इस पूरे चैम्बर में इस पूरे गैसियस चैम्बर में ढेर सारी गैस फील्ड है राइट बट गैस का मैं कोई एक ही मॉलिक्यूल मान रहा हूं और इस एक मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो लेटेस्ट सपोज वी के बराबर है राइट right? अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हैं कंसेप्ट को तो इस स्पीड के यार तीन कॉम्पोनेंट हो जाएंगे एक एक्स डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट होगा एक कॉम्पोनेंट बेटा वाई डायरेक्शन में, में होगा एक कॉम्पोनेंट इसका जेड डायरेक्शन में होगा वी जेड लाइक दिस राइट और दूसरी बात अगर मैं यहां पर देखूं दूसरी बात अगर मैं यहां पे देखू तो ये है एक सामने वाली दीवार इस कंटेनर की इस क्यूब की सामने वाली ये वाल ये वॉल है जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे जाएगा और इससे जा करके टकराएगा जब वो उससे कोलिजन करेगा तो उसी कोलिजन की वजह से वहां पर प्रेशर क्रिएट होगा तो हम लोग उसी के फॉर्मूले को आज डिराइव करने चल रहे हैं अब एक बात समझो अगर वेलोसिटी के तीन कॉम्पोनेंट हैं तो बाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ठीक है बाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहां पे मैं इसको रख रहा हूं बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर का जो एडिशन लॉ है बेटा एडिशन लॉ कहता है कि जो v स्क्वायर है वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर स्क्वायर के बराबर होगा इसको मैं इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं कि रिजल्टेंट स्पीड जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में हम लोग निकाल सकते हैं आपको पता है ठीक है अगर तीन डायरेक्शन में स्पीड है तो उसको वी एक्स आई कैप्लस वीवाई जे कैप्लस वी जेड के कैप लिख सकते हैं और रिजल्टेंट स्पीड अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर प्लस वीजेड स्क्वायर के बराबर होगी तो ये सब चीजें आप समझते हो ये वैक्टर है राइट अब यहां पर एक सब समझो अगर मैं तीनों डायरेक्शन की बजाय थोड़ा सा चीजों को आसान करता हूं केवल डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये जो पार्टिकल है अगर ये पार्टिकल केवल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है कंसीडरिंग कंसीडरिंग ओनली वन पार्टिकल केवल एक पार्टिकल अगर मैं मान लूं तो इस पार्टिकल का बेटा इनिशियल मोमेंटम रहा होगा एम वी एक्स के बराबर राइट अगर ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम कितना रहा होगा एम बी एक्स और ये पार्टिकल जाएगा और सामने वाली इस दीवार से टकरा कर जस्ट वापस आएगा जब ये टकरा कर जस्ट वापस आ रहा होगा तो फिर से इसकी जो स्पीड रही होगी वो वी एक्स के बराबर रही होगी भाई

चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डेल्टा पी ऑफ पार्टिकल अगर मैं पार्टिकल के मोमेंटम में चेंज करूंगा तो ये चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा भैया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम है माइनस एम के बराबर इनिशियल मोमेंटम है

चेंज इन मोमेंटम पार्टिकल में अगर इतना हुआ है तो वॉल में कितना होगा बेटा सामने वाली जो दीवार है उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा दैट मस्ट बी टू एम वी एक्स राइट इट मस्ट बी प्लस 2mvx इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कंसीडर कर ले रहा हूं अब एक चीज मैं यहां पर आपको और बताऊं पार्टिकल को यहां से यहां दाईस दीवार तक जाने में कितना टाइम बेटा लगा होगा देखो डिस्टेंस l के बराबर है स्पीड vx के बराबर है तो जाने में टाइम लगा होगा l अपॉन vx के बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड l अपॉन vx के बराबर आने में भी बेटा इतना ही टाइम लगा होगा l अपॉन vx के बराबर यानी कि टाइम टाइम टेकन और सक्सेसिव कोलिजन टाइम टेकन फॉर सक्सेसिव कोलिजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो टाइम बेटा लगा होगा दीवार तक जाने में और वापस आने में दैट इज इक्वल टू टू एल अपॉन वी एक्स के बराबर इतना समय लग गया है सक्सेसिव कोलिजन में तो बेटा अगर मैं यहां पर आपसे कहूं फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन कितना हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो भाई फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम पीरियड होता है सो दैट मस्ट बिकम वी एक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व राइट यानी कि जब एक बार कोलिजन दीवार से होता है तो दीवार का मोमेंटम में इतना चेंज आता है ठीक है और फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम यानी कि इतने सारे कोलिजन अगर एक सेकेंड में हो रहे हैं तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि भाई चेंज इन मोमेंटम सो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल ठीक है डेल्टा पी ऑफ वॉल अगर मैं लिखूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लस टू एम वी एक्स होल मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स डिवाइडेड बाई टू राइट तो टू टू कट जाएगा ये बेटा वैल्यू आ जाएगी एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल के बराबर दिस इज टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल पर यूनिट टाइम है ना भाई जब तुम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी का तो मतलब ही होता है कि भाई नंबर ऑफ पर 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 यूनिट यूनिट टाइम टाइम तो वाला टर्म यहां पर चल रहा है तो दिस इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल पर यूनिट टाइम और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल जो है यही मेरे प्यारे बच्चों आप समझो तो फोर्स कहलाता है क्योंकि फोर्स होता है ना डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर राइट और ये चेंज इन मोमेंटम आप समझ लो केवल एक पार्टिकल की वजह से हो रहा है नाउ कंसिडरिंग एन पार्टिकल्स कंसीडरिंग एन पार्टिकल्स भाई ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ठीक है अगर मैं एन पार्टिकल्स की बात कर लूँ तो यही जो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है जिसको मैं फोर्स कह सकता हूं फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल दैट मस्ट बी इक्वल टू एम बाई एल टाइम्स टाइम्स एम बाई एल टाइम्स वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर अप टू वी एक्स एन होल स्क्वायर ठीक है एन पार्टिकल्स की मैंने बात किया तो एन के लिए मैंने लिख डाला ठीक है अब ये फोर्स है तो मैं प्रेशर लिख सकता हूं प्रेशर ऑन द वॉल प्रेशर क्या होता है भैया प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया एरिया बेटा एल स्क्वायर के बराबर है सामने वाली वॉल का तो दैट विल बेसिकली बिकम एम अपॉन एल क्यूब टाइम्स वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर अप टू एक्स एन स्क्वायर ठीक है ऐसा अब देखो बार बार ये वी एक्स वन स्क्वायर वी एक्स टू स्क्वायर ये सब बेटा बार बार लिखना पड़ रहा है तो यहां पर एक छोटा सा काम करते हैं क्या इस पूरे को आप एन से डिवाइड कर दो और यहाँ पर आप एन से मल्टीप्लाई कर दो देखो सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं फायदा क्या हुआ जैसे ही आपने सेम यहाँ पर एन से डिवाइड किया ना तो ये बेटा इसका एवरेज बन गया ये क्या बन गया एवरेज नाउ दिस इज एम एन अपॉन एल क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाइड बाई वी एक्स स्क्वायर का बार बार का मतलब एवरेज हो गया अब ये नाउ दिस इज प्रेशर ऑन द वॉल ठीक है सामने वाली जो वॉल है बेटा उस वॉल पर इतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है और इसमें ये जो v x स्क्वायर है इसको आप कह सकते हैं दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मालिक्यूल्स राइट दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैसियस मालिक्यूल्स तो देखो मैंने एक पार्टिकल का मोमेंटम देखा ठीक है फिर चेंज इन मोमेंटम देखा दीवार में चेंज इन मोमेंटम देखा नंबर ऑफ कोलिजन देखा पर यूनिट टाइम यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन मैंने देखा टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल मैंने देखा पर यूनिट टाइम न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वही फोर्स होता है बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी तो दीवार पर फोर्स बेटा निकल आया तो हमने प्रेशर निकाल दिया दीवार पर एन से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया तो एवरेज वैल्यू निकल आई लेकिन अभी तक आपने एन पार्टिकल्स की बात की है लेकिन सिर्फ किस डायरेक्शन की बात की है एक्स डायरेक्शन की बात की है बट सच्चाई ये है कि पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है और जेड में भी जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं तीनों डायरेक्शन की बात करूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फोर कंसीडर कर ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन वन हमको ये पता है कि भाई वी स्क्वायर जो है वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वीवाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर के बराबर है ठीक है और अपने को ये भी पता है कि भैया एवरेज जो होगा है ना उसमें भी यही सेम रिलेशन होगा है ना जो रिलेशन यहां पर एक पार्टिकल के लिए है वही सेम रिलेशन बेटा एवरेज के लिए भी होगा और अपने को यह भी पता है एज वी नो एज वी नो कि इस गैसियस सिस्टम के लिए बेटा जो एवरेज स्पीड है एक्स डायरेक्शन में वही एवरेज स्पीड है वाई डायरेक्शन में वही एवरेज स्पीड है इसकी जेड डायरेक्शन में यानी एवरेज स्पीड हर डायरेक्शन में सेम ही होगी ठीक है तो इसको अब हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट हियर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर फाइव आप बोल दें तो फ्रॉम इक्वेशन फाइव फ्रॉम इक्वेशन फाइव पांचवीशन से हम लोग लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर जो है वैल्यू तो आ जाएगी दर बार डिवाइडेड बाई थ्री दिस वॉज मीन स्क्वायर स्पीड इन एक्स डायरेक्शन है ना मीन स्क्वायर स्पीड इन इन एक्स डायरेक्शन केवल एक्स डायरेक्शन में था बेटा और यह जो वी स्क्वायर बार है एक्चुअली मीन स्क्वायर स्पीड है ना इसको चाहो तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख लो अब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हो तो वेलोसिटी लिखो ज्यादा अच्छा है तो वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया एक्स डायरेक्शन में जबकि ये जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है अभी वी एक्स स्क्वायर बार की वैल्यू ये आ गई है मीन स्क्वायर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में उसके टर्म्स में अब मैं क्या करूंगा मैं इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर फोर में सबस्टिट्यूट करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फोर मेरे प्यारे बच्चों क्या कहती है कि प्रेशर जो है दैट इज एम अपॉन वॉल्यूम वी ठीक है एम अपॉन वॉल्यूम वी v स्क्वायर बार की वैल्यू बेटा कितनी है दैट इज वन बाई थ्री वी स्क्वायर बार ठीक है तो प्रेशर की वैल्यू अल्टीमेटली आ गई वन बाई थ्री एम एन अपॉन वॉल्यूम वी ठीक है वी स्क्वायर का बार राइट ये जो वी स्क्वायर बार है मैं एक बार फिर से यहां लिखना चाहूंगा दिस वी स्क्वायर बार इज नोन एज मीन स्क्वायर स्पीड मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अब एक चीज थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाली यहां पे देखो एम क्या है एम एक पार्टिकल का मास है भाई एम क्या था यहां पे? एक पार्टिकल का मास इसका मास था ना एम और ऐसे कितने पार्टिकल्स थे बेटा n के बराबर कंसीडरिंग n पार्टिकल्स मैंने लिखा है ऐसे n पार्टिकल्स हैं यानी कि ये जो mn हुआ दैट इज एक्चुअली टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स राइट दैट इज टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v ठीक है v स्क्वायर बार मास अपॉन वॉल्यूम जो है बेटा वो डेंसिटी भी होता है तो प्रेशर को 1/3 रो v स्क्वायर बार भी लिखा जा सकता है जहां पर ये जो डेंसिटी है वो किसकी डेंसिटी है बेटा दिस इज डेंसिटी ऑफ गैस डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल की नहीं गैस की डेंसिटी हो गई अभी क्योंकि दैट इज दैट एम इज टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स सारे मॉलिक्यूल्स का टोटल मास मतलब गैस का मास हो गया है ना तो गैस का मास अपॉन गैस का वॉल्यूम करेंगे बेटा तो वो गैस की डेंसिटी निकल कर आ जाएगी अब देखो यहां पर ये देखो ये वहाँ पे देखो सारी चीज़ें हैं ये चेंज इन मोमेंटम है ठीक है यहाँ पर देखो सारे पार्टिकल्स कंसीडर कर लिए एन का डिवाइड एन का मल्टीप्लाई हो गया प्रेशर की वैल्यू एम एन अपॉन ये आ गई फिर हमने इसको एकदम सॉल्व किया देखो वन बाई थ्री वाला टर्म आया वन बाई थ्री रो वी स्क्वायर के बराबर वैल्यूज़ हमने निकाल दिया यानी प्रेशर की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारी वन बाई थ्री रो इन वी स्क्वायर ये पी भी नहीं है दिस इज़ रो दिस इज डेंसिटी ऑफ द गैस राइट अब यहां पर इन्होंने एक टर्म और लिखा कि भाई मैं अगर इसी में दो का मल्टीप्लाई और दो का डिवाइड कर दू तो क्या होगा भैया देखो ये जो हम लोगों ने किया था ये ये वाला जो टर्म है अगर मैं इसमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई टू कर दू, तो दैट विल बिकम टू बाई थ्री ऑफ वन बाई टू रो वी स्क्वायर बार तो ये जो रो वी स्क्वायर बार है आप खुद समझो क्या ये काइनेटिक एनर्जी जैसा टर्म है हाफ एमवी स्क्वायर होता है डेंसिटी लिखी हुई है यहां पे रो तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इसको बेटा हम लोग नाम दे सकते हैं दिस इज मीन यानी कि एवरेज और अच्छा नाम लिखते हैं सेम है दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेशर की जो वैल्यू है दैट इज एक्चुअली टू बाई थ्री ऑफ काइनेटिक एनर्जी और बेटा जो अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं तो आइडियल गैस के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही तो है भाई सोचो आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड ही नहीं है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी यानी कि इसको मैं टोटल एनर्जी ई के बराबर लिख सकता हूं व्हाट इज दिस दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ आइडियल गैस पर यूनिट वॉल्यूम तो इसको आप एवरेज एनर्जी ऑफ आइडियल गैस कह सकते हैं पर यूनिट वॉल्यूम या फिर आप इसी को एनर्जी डेंसिटी ऑफ द आइडियल गैस भी कह सकते हो एनर्जी डेंसिटी का मतलब बेटा यही होता है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर राइट सो दैट इज इक्वल टू टू बाई थ्री ये देखो टू बाई थ्री टाइम्स ई प्रेशर जो है वो टू थर्ड ऑफ टोटल एनर्जी कहलाता है पढ़ो कह रहे हैं प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है टू थर्ड ऑफ द टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है वाइब्रेशनल मोशन या रोटेशनल मोशन जैसी कोई चीज यहां पे है नहीं तो इसको आप टोटल टू थर्ड ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस पर यूनिट वॉल्यूम भी कह सकते हो ठीक है फटाफट इस कंसेप्ट को बेटा आप देख करके नोट कर डालो अब देखो ये जो प्रेशर की वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई दैट इज टू थर्ड ऑफ टोटल या कह लो कि एवरेज एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस यहां से बेटा अब हम लोग कुछ नए कंसेप्ट की भी बात कर सकते हैं जैसे ये जो v स्क्वायर बार है v स्क्वायर बार को हम लोग ने क्या नाम दिया दैट इज एवरेज स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स राइट इसी में अगर दोनों तरफ बेटा अंडर रूट ले लें यानी कि यहां से मैं v स्क्वायर की वैल्यू निकालू तो ये वैल्यू आ जाएगी 3p पी अपॉन रो के बराबर इसी में अगर दोनों तरफ बेटा अंडर रूट लगा दिया जाएगा तो ये एक्चुअली बन जाएगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बार दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री पी डेंसिटी रो तो ये जो लिखा हुआ है दैट विल बिकम का मतलब हो गया वी आर एम एस का मतलब रूट मीन स्क्वायर क्योंकि तो मीन स्क्वायर स्पीड में हमने अंडर रूट लगा दिया तो बन गया ना अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड सो दैट इज आर एम एस रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स तो उसकी वैल्यू आ गई है अंडर रूट थ्री पी अपन रो के बराबर राइट और इसी को अब हम लोग आगे थोड़ा सा मैनिपुलेट करने वाले हैं तो देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या है इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो भी स्पीड्स हैं ठीक है उनकी स्पीड का स्क्वायर करना है और उसका एवरेज ले लेना है ठीक है उसके एवरेज का अंडर रूट ले लेना है वही कहलाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ठीक है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर बार वैल्यू आ गई अंडरवूड थ्री पी बाई रो के बराबर और अगर मैं किसी भी गैस के लिए ऑब्जर्व करूं देखो नॉर्मल प्रेशर होता है वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन की पावर फाइव पास्कल के बराबर राइट और डेंसिटी जो है नॉर्मल एयर की 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है अगर ये वैल्यूज उठा के रखें 3p पी अपॉन रो

तो आप देख सकते हैं कितना तेज कितना ज्यादा रेंडम मोशन इनका होता है ठीक है अच्छा अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्मल एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर अब हम लोग ये देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पे टेम्परेचर का लेना देना क्या है का, से क्या ही मतलब है देखो प्रेशर का फॉर्मुला हम लोग ने पढ़ा है प्रेशर जो है वो वन अपॉन थ्री एम एन अपॉन वॉल्यूम वी स्क्वायर बार के बराबर होता है वॉल्यूम को इधर ले आओ तो पी वी बराबर वन अपॉन थ्री एम एन वी स्क्वायर बार के बराबर होता है राइट right? तो ये जो एम एन है ठीक है मैंने आपसे कहा ही था एम और एन को कम्बाइन करोगे दैट विल बिकम टोटल मास ऑफ द गैस तो ये बन गया वन बाई थ्री एम वी स्क्वायर के बराबर अब ये जो पीवी है किसी भी वन मोल आइडियल गैस के लिए पीवी को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं आर टी लिख सकते हैं पीवी बराबर आर टी फॉर वन मोल आइडियल गैस तो ये जो आर टी है दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं थ्री आर टी बाई एम और वी स्क्वायर का बार मतलब अंडर रूट अगर हम लोग लगा देंगे तो अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम बन जाएगा तो आर एम एस स्पीड का एक फॉर्मूला और आ गया हमारे पास अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम के बराबर वैसे भी मैंने अभी आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था कि जो स्पीड होती है, that is under root upon rho. अब एक बात समझो, अगर मैं एन तो मोल्स की ही बात कर दूं तो पीवी बराबर एन आर टी के बराबर होता है राइट मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं मास अपॉन मोलिकुलर मास तो पी बी बराबर दिस तो वी कैन राइट हियर पी एम इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इन टू आर टी है ना और मास अपॉन वॉल्यूम को बेटा डेंसिटी लिखा जा सकता है मोलर मास हमने इधर कर दिया ध्यान रखना तो पी बाई रो जो है पी बाई रो जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज आर टी बाई एम P बाई रो को बेटा आर टी बाई एम लिखा जा सकता है तो यहां पर भी P बाई रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर टी बाई एम इट विल बिकम अंडर रूट थ्री आर टी बाई कैपिटल एम है ना कैपिटल M क्या है मोलर मास तो यहां से बेटा ये आइडिया लग गया कि किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की जो आर एम एस स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे उस गैसियस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो बढ़ रही होगी या मोटा मोटा कह लो टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसियस मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है दैट स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आर स्पीड बढ़ेगी गैस मॉलिक्यूल्स में रेंडमनेस बढ़ रहा होगा उनका रेंडम मोशन बढ़ रहा होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एप्सोलूट टेम्परेचर ऑफ द गैस

ठीक है ध्यान रहे जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं बेटा केल्विन की बात हो रही है राइट इट इज ऑल्सो क्लियर दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैन नेवर बी निगेटिव एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो से कम कभी होता नहीं है बिकॉज वी आर एम एस कैन नेवर बी निगेटिव यानी कि आर एम एस स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है नो टेम्परेचर इज पॉसिबल बिलो एब्सोल्यूट सीट

कितनी आई है बाकी ऑलमोस्ट वो 485 मीटर पर सेकंड के आसपास निकल कर आती है ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट है कैलकुलेट द काइनेटिक थ्योरी पर मॉलिक्यूल एंड आल्सो आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ गैस एट 127 127 डिग्री सेल्सियस पर गिवन बोल्टमैन कांस्टेंट हमें पता है मास पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस भी हम लोग को पता है ठीक है मास पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस यानी कि एक मॉलिक्यूल का मास हम लोग को वहां पर गिवन है अब इस चीज को आप जरा देखो एक मॉलिक्यूल का मास आपके पास है राइट एक मॉलिक्यूल का मास आपके पास है और बेटा जो काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है वो कितने के बराबर है काइनेटिक एनर्जी थ्री के टी के बराबर है है ना तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर जो होता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ठीक है दैट इज वन बाई टू मतलब वन बाई टू एम वी स्क्वायर के बराबर और ये काइनेटिक एनर्जी थ्री बाई टू के टी के बराबर भी होती है राइट थ्री बाई टू के टी के बराबर भी होती है तो थ्री बाई टू के क्या है बोल्डमैन कांस्टेंट टी क्या है टेम्परेचर अगर एक डिग्री सेल्सियस है तो कैलविन में दो जोड़ेंगे तो चार सौ हो जाएगा बेटा ठीक है तो चार सौ का मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली इतने जूल की एनर्जी उसके पास है एक मॉलिक्यूल के पास राइट अब हमसे यह कहा गया कि भाई एक मॉलिक्यूल की सबसे पहले कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल की आप काइनेटिक एनर्जी बता दो फिर कह रहे हैं ऑल्सो आर स्पीड ऑफ द गैस आरएमएस स्पीड भी बताइए तो आरएमएस स्पीड अगर अगर मैं निकालूं तो उसी काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 1/2 mv2 के बराबर कह रहा हूं तो v rms निकल करके हमारा आ जाएगा √2 काइनेटिक एनर्जी m मास की वैल्यू एक पार्टिकल की पता ही है सॉल्व कर लेंगे तो इससे आपको rms स्पीड निकल कर आ जाएगी अब एक बात समझो यहां पर क्या आपको बताया गया है इस बात को सबसे पहली बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना होता है एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेटा थ्री बाई टू के टी के बराबर होती है ठीक है आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है थ्री बाई टू के टी के बराबर होती है और इसी एनर्जी को हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर भी कह सकते हैं यानी कि अगर आपको आइडियल गैस का टेम्परेचर पता है बेटा आइडियल गैस का अगर आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है बोल्डमैन कांस्टेंट तो वैसे भी पता होता है बोल्डमैन कांस्टेंट की वैल्यू देखो कितनी होती है 1.38 पॉइंट थ्री एट इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ये आपको याद भी होना चाहिए ठीक है बाकी बोल्डमैंस कांस्टेंट होता है आर अपॉन एबागा नंबर ठीक है वहां से भी निकाल सकते हो बट वैल्यू याद कर लो ज्यादा सेफ रहेगा काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की थ्री बाई टू के टी के बराबर होती है और अगर यहीं पर आपसे कभी कहे काइनेटिक एनर्जी एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ आइडियल गैस अगर कहा जाए तो दैट विल बिकम थ्री बाई टू आर टी ठीक है पूछे आपसे तो थ्री बाई टू एन आर टी हो जाएगा बेटा ठीक काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स अगर पूछे तो थ्री बाई टू एन के टी हो जाएगा ये सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा राइट तो यहां पर बस वही फार्मूला यूज हुआ है टेम्परेचर एक डिग्री सेल्सियस था तो अगर टेम्परेचर पता है बेटा तो आप काइनेटिक एनर्जी सीधे सीधे निकाल सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एबीटी यूज कर लिया हमने है ना बोल्ड बैंस कॉन्स्टेंट एक मोल की पूछते तो हम थ्री बाई टू आर टी यहाँ पर यूज करते बेटा एन मोल्स की पूछते थ्री बाई टू एनआरटी यूज कर लेते हम लोग तो।, तो ये वाले कंसेप्ट को याद रखना इसी को हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर करोगे तो वी आर एम एस यहां से निकल कर आ जाएगा ठीक है अब जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है उसी पर बेस्ड ये एक क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं सोल्यूशन आपके पास है ठीक है ये दूसरा वाला ये जो क्वेश्चन है इसको भी देखो कह रहे टू परफेक्ट गैसेज एट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूटरेचर ऑफ टी एंड टी आर मिक्सड दो गैसेज हैं ठीक है थेके? जो कि टी वन टी टू उनको मिक्स किया गया है देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एनर्जी का कोई लॉस नहीं यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे फाइंड द टेपरेचर ऑफ द मिक्सचर इफ मासेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर एम वन एंड एम टू एंड नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर एन वन एंड एन टू हर एक मॉलिक्यूल का मास पता है ठीक है हर एक का हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पता है टेम्परेचर पता है मिक्स कर रहे हैं क्या होगा देखो बेटा जैसे ही जब आप मिक्स करोगे ना तो इनकी एनर्जी प्लस इनकी एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी ये होगा है ना तो बस यही काम यहाँ पे करना है तो देखो थ्री बाई टू के एन वन टी वन ये पहले की एनर्जी थ्री बाई टू के एन टू टी टू ये दूसरे की एनर्जी है और टोटल एनर्जी कितनी होगी थ्री बाई टू के एन वन प्लस एन टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन टू टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हो राइट right? मिक्सचर का टेम्परेचर तो बस इनकी एनर्जी प्लस इनकी एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी यही यहाँ पे पे यूज करना था एकदम सिंपली राइट यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस प्लस एनर्जी ऑफ द सेकेंड गैस दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ मिक्सचर मिक्सचर का एनर्जी राइट एनर्जी कितनी है पहले में थ्री बाई टू अभी मैंने कहा था बाई टू के टी के बराबर लेकिन ये एक मॉलिक्यूल की है बट मॉलिक्यूल्स यहां कितने थ्री बाई टू के एन वन टी वन प्लस थ्री बाई टू के एन टू टी टू डेट इज इक्वल टू टी बाई टू के मिक्सचर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा इसके एन वन उसके एन टू तो टोटल एन वन प्लस एन टू टेम्परेचर टी टी बाई टू के कैंसिल कर लो पूरे से कॉमन लेके इतने को कैंसिल करो तो एन वन टी वन प्लस एन टू टी टू जो है डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू अगर आप करेंगे तो यू विल गेट द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आपको मिक्सचर का टेम्परेचर मिल जाएगा राइट right? क्या आ गया नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉज अब जो आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है उस प्रेशर के फॉर्मुले से हम लोग गैस लॉज का डेरिवेशन करेंगे आइए फटाफट -फड़ देखते हैं सबसे पहला बेटा क्या था बॉयल्स लॉ बॉयल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी बराबर कांस्टेंट होना चाहिए डेरिवेशन वाले पार्ट पर आ जाओ डेरिवेशन ये कहता है भैया कि अगर प्रेशर की वैल्यू वन बाई थ्री एम एन अपॉन वॉल्यूम की स्क्वायर बार के बराबर होता है ठीक है या yeah, इनफैक्ट बार भी हटा दें हम वन बाई थ्री एम एन अपॉन वी वी स्क्वायर के बराबर अगर वैल्यू है राइट right? तो आप क्या कर सकते हो इसको वॉल्यूम को एक तरफ ले आओ तो PV बराबर 1 by 3, mn v स्क्वायर बार एवरेज वैल्यू राइट तो ये वैल्यू हमारे पास मिल गई है अब देखो एक चीज यहां पर अगर हम लोग समझे तो एम क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट और वी स्क्वायर बार दैट इज एवरेज ज स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल राइट अब बॉइल स्लो किन कंडीशन में लगाया जाता है अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो यह स्क्वायर बार वाला टर्म भी तो वैसे भी कॉन्स्टेंट होता है ना दिस इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इट इज कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब सिंपल है ये जो पी है हमारा ये पी भी बेटा कांस्टेंट हो जाएगा राइट पूरा का पूरा राइट हैंड साइड जब कांस्टेंट हो गया है टेम्परेचर पर तो फिर पी बराबर कांस्टेंट हो गया यही हमारा बॉयल्स लॉ है अगला है भाई साहब चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर तो एक बात देखो प्रेशर जो है वो वन बाई थ्री एम एन अपॉन वॉल्यूम वी वी स्क्वायर बार के बराबर है यहां से वॉल्यूम को अगर मैं निकालूंगा तो वन बाई थ्री एम एन अपॉन प्रेशर पी वी स्क्वायर बार के बराबर हो जाएगा राइट अब दूसरी बात यहां पर आप और समझो अगर आप यहां पे देखो तो हम लोग ये जो वी स्क्वायर वाला जो टर्म है ठीक है इस v स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग मैनिपुलेट देखो कैसे करेंगे क्योंकि हम लोग यहां पर काइनेटिक एनर्जी को ला सकते हैं भाई v स्क्वायर मतलब क्या है m भी है v स्क्वायर भी है अगर यहां पर आप 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लो तो वॉल्यूम को तुम ऐसे लिख सकते हो ना 2 थर्ड ऑफ ये काम आप पहले भी कर चुके हो mn v स्क्वायर बार राइट और यहां पे प्रेशर को भी लिख दो तो वॉल्यूम जो है वो 2/3 p ऑफ 1/2 mv2 बेसिकली है ना m क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इट इज टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स तो 1/2 mv2 इज काइनेटिक एनर्जी राइट तो इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 kt फैक्ट 3/2 nkT अगर आप n मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो तो 3/2 nkT 2 और थ्री कैंसिल हो गया है तो वॉल्यूम जो है वो अपॉन के बराबर है अब आप इस चीज को समझो अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए राइट अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा वही काम यहां पर आपको करके दिखाया गया है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ेगा और यही हमारा लॉ प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर तीनों कॉन्स्टेंट हो है ना ये जरा चेक करते हैं यहां पे क्या होगा इट स्टेट दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर एग्जर्टेड बाई अ गिवेन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर राइट तो ये बेसिकली कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ये हमारा गेल उसे लॉ है तो गेल करने के लिए देखो प्रेशर जो है वन बाई थ्री एम एन अपन वी वी स्क्वायर बार के बराबर है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बार होता है और वी स्क्वायर बार खुद जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं राइट तो यहां से सीधे सीधे मिल जाएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यही है लॉ 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 नेक्स्ट है आवागाद्रोस लौ. आवागाद्रोस लौ कहता है बेटा कहता कि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों कांस्टेंट होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फर्स्ट गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर द अदर गैस आल्सो राइट तो यहां पर देखो पी वी बराबर वन बाई थ्री एम वन एन वन वी वन स्क्वायर बार के बराबर है दूसरे गैस के लिए वन बाई थ्री एम टू एम टू बी टू स्क्वायर बार के बराबर है राइट प्रेशर वॉल्यूम दोनों गैसेस के लिए हमने सेम मान लिया है अब देखो अगला स्टेप क्या है हमारा अगर पी वी बराबर है तो वन बाई थ्री वन बाई थ्री कैंसिल होगा भाई ये भी बराबर होंगे वन बाई थ्री वन बाई थ्री कैंसिल होगा तो ये मिलेगा ठीक है देखो कंडीशन क्या है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों कॉन्स्टेंट हो राइट तो यहां पर सीधी बात आप लिख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम

तो यहां से आप देख सकते हैं एम वन वी वन स्क्वायर जो है वो एम टू वी टू स्क्वायर बराबर है तो ये रहा एम वन ये रहा वी वन स्क्वायर ये रहा एम टू ये रहा वी टू स्क्वायर ये दोनों भी बराबर है कट जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा एन वन बराबर एन टू इससे बेटा पता ये चलता है कि अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों कॉन्स्टेंट है तो एन वन और एन टू भी बराबर हो जाएगा यही हमारा है एवागाद्रोज लॉ नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी ठीक है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी तो देखो प्रेशर पहली गैस का जो है वो वन बाई थ्री रो वन बी वन स्क्त बार के बराबर है दूसरे के लिए भी इसी तरीके से है अब अगर स्टेडी स्टेट की बात करना है तो दोनों का प्रेशर जो है बेटा सेम होगा अगर दोनों का प्रेशर सेम है तो वन बाई थ्री रो वन वी वन स्क्वायर वन बाई थ्री रो टू वी टू स्क्वायर के बराबर है तो वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर रो टू अपॉन रो वन के बराबर है और वी वन अपॉन वी टू जो है वो अंडर रूट रो टू अपॉन रो वन के बराबर हो जाएगा यानी दोनों की डेंसिटी के इनवर्स प्रपोर्शन में वैल्यू निकल करके आ गई तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कह रहे हैं दैट इज वी वन अपॉन वी टू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट रो टू अपॉन वन राइट नेक्स्ट है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का डेरिवेशन अगर हम लोग यहां पे देखें तो सबसे पहली बात यह है कि इट स्टेट्स दैट

सभी का इंडिविजुअल प्रेशर अगर निकाल कर आप ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस आ जाएगा मतलब हमारे पास समझो कोई गैसेस मिक्सचर है जिसमें पहली गैस है दूसरी तीसरी चार पांच गैसेस है ठीक है अगर मेरे को पूरी सारी गैसेस का टोटल प्रेशर निकालना है तो इंडिविजुअल हर एक गैस का प्रेशर निकालो और उसको जोड़ दो ठीक यही है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर तो पहली गैस का प्रेशर दूसरे का प्रेशर तीसरी का प्रेशर और चेक करो वॉल्यूम सबका बराबर ही होगा जब आप एड करेंगे तो वन बाई थ्री एम वन एन वन अपॉन वी वी वन स्क्वायर ऐसे दूसरे तीसरे सबके लिए हो जाएगा राइट अब हमको ये भी पता है कि अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहा हूं क्योंकि जो मिक्सचर है तो मिक्सचर का मतलब सभी का टेम्परेचर सेम है अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी की बेटा काइनेटिक एनर्जी सेम होगी यानी कि एम वन वी वन स्क्वायर एम टू वी टू स्क्वायर एम थ्री वी थ्री स्क्वायर इन सबको एम वी स्क्वायर लिखा जा सकता है तो अल्टीमेटली ये जो P1 पी वन प्लस वी टू ये वाला जो टर्म था आप इसमें चेक कर सकते हैं एम वी स्क्वायर ये वाला सारा टर्म तो सबके लिए सेम ही हो गया तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा वन बाई थ्री वी ठीक और एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर और एम बी आप चेक करो यहाँ पर तो ये M और ये वी स्क्वायर ये वाला टर्म वॉल्यूम तो सब में कॉन्स्टेंट ही है अब सिर्फ क्या बचा एन वन वाला टर्म बचा एन वाला टर्म तो एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री एंड सो ऑन सभी का नंबर हो जाएगा ठीक है तो जिसको मैं टोटल एन मान सकता हूं तो यहां से मिल जाएगा कि भाई पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू तो ऑन पी एन जो है वन बाई थ्री एम एन अपॉन वी वी स्क्वायर के बराबर होता है बट हम सबको ये भी पता है कि भैया ये फॉर्मूला तो प्रेशर का होता है राइट तो यहाँ से ये पता चला कि भाई मिक्सचर का जो प्रेशर है वो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री एंड सो ऑन इसके बराबर हो जाएगा राइट अब अगला है बेटा कुछ स्पीड्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ फिर आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूले की बात आपसे करता हूँ कि हम लोग को इतना तो पता चल गया है बेटा कि अगर हमें टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो बढ़ेगी ठीक है अब यहां पर तीन तरह की स्पीड होती है किसी भी गैस मॉलिक्यूल की सबसे पहली स्पीड है बेटा उसकी आर स्पीड ठीक है दूसरी स्पीड होती है बेटा उसकी एवरेज स्पीड तीसरी होती है उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड राइट आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट थ्री आर टी बाई एम के बराबर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एट आर टी अंडर रूट एट आर टी अपॉन पाई एम के बराबर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टू आर टी बाई एम के बराबर यानी कि तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं आर एम एस स्पीड का फॉर्मूला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला राइट right? ये तीनों डायरेक्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए है ना तीनों फार्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा तीनों पर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वैल्यू निकाल के बताइए याद करने की एक ट्रिक आपको बता रहा हूं आजकल राम मंदिर बना है है ना वन राम का नाम तो सबको पता ही है राइट और आर मतलब थ्री ए मतलब समझ लेना टू पॉइंट फाइव और एम मतलब टू कहने का मतलब क्या है कि आर एम एस वाले में थ्री आता है एवरेज वाले में टू पॉइंट फाइव आता है ये 8 upon ना तो लगभग टू पॉइंट फाइव आता है और मोस्ट प्रोबेबल वाले में टू आएगा है ना तो थ्री टू पॉइंट फाइव टू और बाकी राम तो ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं यह सर ट्रिक है है ना दिस इज ट्रिक फॉर लर्निंग दीज थ्री फॉर्मूला आराम से फॉर्मूले को आप लर्न कर सकते हो तो देखो सबसे पहला हमारे पास स्पीड कौन सा है बेटा एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है सभी की स्पीड निकालो भैया जोड़ो और एन से डिवाइड कर दो तो सिंपल चीज है आपको पता है एवरेज और एवरेज का फॉर्मूला है एट के अपॉन पाई एम देखो जब के यूज करते हैं ना तो इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की बात हो रही दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल आर टी लिखा है है ना तो फॉर वन मोल ऐसे एट पी वी अपॉन पाईएम भाई आर टी वाई एम है आर टी को पी वी भी लिखा जा सकता है फॉर वन मोल गैस है ना एट पी वी अपॉन पाई एम एट अपॉन पाई का टर्म है बस ये बात तुम ध्यान रखो ठीक है होल्ड मैं कॉन्स्टेंट क्या होता है ये सबको पता है नेक्स्ट है बेटा आरएमएस स्पीड तो आरएमएस स्पीड हम लोग खूब पढ़ चुके हैं अंडर उटी वाई एम अगर एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो ठीक है तो आप थ्री के टी बाई एम यूज करना अदरवाइज थ्री आर टी वाई एम आप यूज करेंगे और थ्री पी वी वाई एम आप यूज करेंगे यहां से सीधे सीधे पता चलता RMS speed, temperature है आर एम एस स्पीड टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर एम एस स्पीड जो है अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे देखा जाए तो मोलिकुलर मास के इनवर्स रेशियो में होता है बेटा बी आर एम एस प्रपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एम राइट मोस्ट प्रोबेबल की बात किया जाए तो 2kt/m2rt/m2pv/m ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर यूज किए जाते हैं इट इज डिफाइंड एज द स्पीड पज्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल एट गिवन टेंपरेचर मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि सैंपल में मान लो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से मैक्सिमम की जो स्पीड होती है उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहा जाता है राइट right? बाकी स्पीड और एवरेज तो आप समझते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन में हम लोग उसे कह रहे हैं बेटा फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस है स्पीड टू फोर सिक्स एट कैलकुलेट देयर एवरेज स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड बेटा एवरेज निकालना होगा तो टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट बाई फोर कर देंगे और रूट मीन निकालना होगा तो अंडर रूट के अंदर टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर अपॉन ऑन फोर कर देंगे तो ध्यान से देखो एवरेज स्पीड देखो ये रही सिंपल ठीक आरएमएस स्पीड का फॉर्मुला देखो ये रहा वैल्यूज रखेंगे आंसर -खट, निकल कर आ जाएगा दिस इज वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन राइट बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल है इंपॉर्टेंट है है पूछा जा सकता है. अगला है कैलकुलेट आर एम एस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट एस टी पी मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन देखो बेटा आर एम एस स्पीड अगर आपसे कभी भी पूछी जाएगी तो अंडर रूट पी आर बाई एम की बात करेंगे ऑक्सीजन की बात हो रही है तो मोलिकुलर मास बेटा कितना होगा दैट मस्ट बी थर्टी टू और टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है टू सेवेंटी थ्री कैलविन के बराबर राइट सारी वैल्यूज आप उठा के रखेंगे देखो प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड प्रेशर हालांकि यहाँ पे फार्मूला थ्री पी वी बाई एम यूज कर लिया गया तो ये भी ठीक है यार ये भी ठीक है अदरवाइज जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे वो भी सही था टू थ्री आर की वैल्यू कितनी लेंगे थ्री पॉइंट वन एट पॉइंट थ्री वन फोर टेम्परेचर ले लो टू सेवेंटी थ्री के बराबर डिवाइडेड बाई मोलर मास ले लेंगे हम लोग थर्टी टू के बराबर राइट right? और इसको लेकर के हम लोग सॉल्व कर देंगे आइए इसको एक बार सॉल्व करके क्रॉस चेक भी कर लिया जाए देखो थ्री मल्टीप्लाइड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर मल्टीप्लाइड बाई टू सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी टू जो भी आया उसका लेंगे अंडर रूट वैल्यू निकल करके है बेटा 14.58 पॉइंट फाइव एट मीटर पर सेकेंड के बराबर राइट अच्छा यहां पर जो वैल्यू हमारी निकल करके आ रही है वो काफी ज्यादा अलग निकल करके आ रही है अब आइए चेक करते हैं क्यों ऐसा हो रहा है थ्री आर टी बाई एम ठीक और यहां पे इन्होंने यूज कर लिया थ्री पी बी बाई एम प्रेशर की अपनी वैल्यू रख दी स्टैंडर्ड प्रेशर और वॉल्यूम को भी रख दिया 22.4 टू पॉइंट फोर लीटर होता है तो पावर माइनस थ्री से कर दिया और एम जो है मोलर मास है ये जो मोलर मास है देखो इसको 32 टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री लिखा गया है बस यहीं पर मामला यहाँ पर रह गया ठीक है मोलर मास जो होता है जब हम लोग मास को ग्राम में लेते हैं तब हम लोग थर्टी रखते हैं राइट लेकिन अगर आप के में मतलब आप ऐसा SI यूनिट में अगर सॉल्व कर रहे हो तो केवल थर्टी मत रखना इसको कुछ इतना रखना अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं थ्री मल्टीप्लाइड बाई एट पॉइंट थ्री वन फोर मल्टीप्लाइड बाई टू सेवेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन थाउजेंड राइट डिवाइडेड बाई थर्टी टू भी आया उसका अंडर रूट ये अंडर रूट लेते ही देखो हमारा आंसर अब एग्जैक्ट आ गया है दैट इज फोर हंड्रेड सिक्सटी वन पॉइंट टू एट सेवन मीटर पर सेकेंड के बराबर यहां से क्या पता चल गया कि अगर एस आई यूनिट में लेना है तो मोलिकुलर मास कितना है थर्टी टू इन टू टेन की पावर माइनस थ्री के बराबर राइट फोर हंड्रेड सिक्सटी वन यहाँ भी निकला है बाकी थ्री बी वी वाई एम करके भी आप निकाल सकते हो तो प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम की वैल्यू मास की वैल्यू सब हमको पता है अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है तो ये मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ राइट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा सोल्यूशन आपके पास है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसको भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं सोल्यूशन के साथ है एकदम सा है एकदम सिंपल सा क्वेश्चन क्वेश्चन बेटा इस वाले में हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द आर एम एस वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डबल इट्स वैल्यू एट ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस प्रेशर ऑफ द गैस रिमेनिंग सेम देखो एक बात समझो अगर प्रेशर गैस का कॉन्स्टेंट होता है तो सबसे पहला कंसेप्ट दिमाग में ये आता है

सत्ताइस डिग्री सेल्सियस पर डिवाइडेड बाई आर एम एस स्पीड एट हैं यहां पर क्या होगा भाई ट्वेंटी थ्री करेंगे और यहां पर बात टी डिग्री सेल्सियस की कर रहे हैं तो उसमें भी टू सेवेंटी थ्री एड करेंगे राइट क्वेश्चन तो में हमसे यही कह रहे हैं ना कि वो टेम्परेचर बताओ जिस पर आर एम एस स्पीड जो है वो सत्ताइस डिग्री का डबल हो जाए तो सत्ताईस डिग्री का हमने आर एम एस स्पीड ये मान लिया सत्ताईस प्लस टू सेवेंटी थ्री टी डिग्री पर हमने वी वीडाश मान लिया ये जो वी वीडाश है वो इसका डबल है यानी कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाई डबल ऑफ वी आर एम एस डेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर थ्री हंड्रेड अपॉन टी प्लस टू सेवेंटी थ्री के बराबर ये कैंसिल ही होगा होल स्क्वायर करोगे वन बाई फोर आएगा वन बाई फोर जो है वो थ्री हंड्रेड अपॉन टी प्लस टू सेवन थ्री के बराबर है तो बेटा टेम्परेचर निकल करके आ जाएगा 1200 सो माइनस टू ठीक है 1200 में से बेटा 1200 में से अगर मैं 273 सेवेंटी करूंगा तो नौ आएगा नौ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात हो रही है। अब अगर तुमसे यहाँ वॉल्यूम वगैरह कुछ पूछते तो हम इसको यूज करके वॉल्यूम निकाल लेते क्योंकि टेम्परेचर अपने को भी पता है राइट तो हमें लगता है हमारा काम इसी से चल गया हमें उस पर जाने की जरूरत पड़ी ही नहीं तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये है कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम पोजेड बाई अ मॉलिक्यूल इन वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एन टी पी ठीक है of of अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या चीज है वैसे तो आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इनडिपेंडेंट वेज इन विच सिस्टम कैन पजेज एनर्जी और इन विच कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग्स, राइट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का एग्जैक्ट डेफिनेशन है जैसे अगर मैं किसी भी एक मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं कोई भी एक सिंगल एटम वाली गैस की मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैस कोई भी मोनो एटोमिक गैस जो होती है जैसे आपका हीलियम हो गया राइट right? हीलियम है नियॉन है इस तरह की गैसेस जिसमें एक सिंगल एटम होता है केवल तो ये जो सिंगल एटम है बेटा ये एक्स डायरेक्शन में जा सकता है ये वाई में जा सकता है ये जेड में जा सकता है तो इसके पास केवल और केवल तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ठीक है और तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मोनो एटोमिक गैस के पास सिर्फ और सिर्फ तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो भी तीनों मोनो मतलब तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है केवल एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जाने की किसी भी डाई एटोमिक गैस की मैं बात करूं किसी भी डाई एटॉमिक गैस की मैं बात करूं जैसे ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया ऐसे में क्या होता है बेटा क्योंकि हमारे पास दो दो मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब दो दो एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के ठीक

मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा यानी कि इसके पास टोटल पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जिनमें से तीन ट्रांसलेशनल है तीन ट्रांसलेशनल है और दो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल पांच है इनके पास तीन की तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अब इसी तरीके से बेटा पॉली एटोमिक गैस की अगर मैं बात करूं पॉली एटोमिक गैस की अगर मैं बात करूं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका ठीक है अमोनिया हो गया आपका एक्सेट्रा तो ऐसे केसेज में बेटा उसके पास टोटल छह डिग्री ऑफ फ्रीडम होती टी प्लस थ्री टी प्लस थ्री सिक्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप समझ गए होंगे तीन इनके पास ट्रांसलेशनल है और तीन इनके पास रोटेशनल है राइट तो टोटल छह डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी पॉली एटोमिक गैस की होती, डिग्री डिग्री ऑफ़ ऑफ़ फ्रीडम, राइट? तो फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि जितने तरीके से कोई भी एटम अपने अंदर एनर्जी प्रोजेस कर सकता है चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हो चाहे वो रोटेशनल मोशन की वजह से हो अगर मैं टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दूंगा यानी कि एट वेरी हाई टेम्परेचर ये जो तो डाई एटोमिक और पॉली पॉलीअटोमिक है बेटा इनकी दो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाती है क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेशन करना भी स्टार्ट कर देते हैं तो डाई एटोमिक और पॉली एटोमिक में एट वेरी हाई टेम्परेचर यू कैन राइट हेयर इसमें सात डिग्री ऑफ फ्रीडम है और इसमें आठ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ठीक है तो इस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम को बेटा डिफाइन कर दिया जाता है राइट right? चलो अब यहां पर हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल इन वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द हाइड्रोजन गैस तो ये खैर आउट ऑफ सिलेबस है यार ठीक है लेकिन ठीक है देख लो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर अगर मैं बात करूं यानी कि वन मोल की बात करूं तो वन मोल में कितने होते हैं बेटा मॉलिक्यूल सिक्स इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री हवा नंबर के बराबर राइट right? ये होते हैं ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर्स के केस में है ना अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन वन सेंटीमीटर क्यूब की मैं बात करूं वन सेंटीमीटर क्यूब में अगर आप देखोगे तो सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है क्योंकि ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर में बाईस हजार चार सौ सेंटीमीटर क्यूब होते हैं राइट तो बाईस हजार चार सौ से हम डिवाइड करेंगे तो इतने सारे क्या निकल करके आएंगे मॉलिक्यूल अब हाइड्रोजन हमारा कैसा होता है बेटा हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक होता है राइट right? हाइड्रोजन कैसा है एच टू एटॉमिक है तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक मॉलिक्यूल के पांच डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स के कितने होंगे मल्टीप्लाइड बाई फाइव मैं क्या करूंगा इसको फाइव से मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस इज द आंसर यानी इतने सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए हाइड्रोजन के समझ में आ गई इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो इसको यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मतलब मोल कंसेप्ट हम यूज करेंगे बेसिकली यहां पर मोल कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे और मोल कंसेप्ट करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मोल से ही ये बात हमें पता चलता है ना कि किसमें कितने आ, अगर मान लो एक मोल है तो एक मोल में कितने एटम होते हैं चार मोल में कितने होते हैं या इतना वॉल्यूम दिया है तो उसमें कितने एटम्स होंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये ठीक है नेक्स्ट है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वन ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर वन ग्राम ऑक्सीजन है तो आखिर उसके पास कितनी एनर्जी है भैया एनर्जी का फार्मूला अगर मैं किसी भी डाइटोमिक गैस की बात करूं बेटा तो देखो एनर्जी का मैं तुम्हें यहाँ पे टोटल फार्मूला लिख रहा हूँ एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है वन बाई टू इन टू एफ इंटू आर टी यहाँ पे एफ क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी पीछे मैंने आपको एक फार्मूला याद कराया था 3 by 2 KT, 3 by 2 RT. कहां से आया देखो अगर कोई भी डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक अब मैं जनरल बात कर रहा हूँ ठीक है जनरल बात कोई भी जनरल अगर मैं गैस की बात कर रहा हूं तो एनर्जी का फार्मूला होता है वन बाई टू एफ आर टी फॉर वन मोल गैस इनफैक्ट बाई टू एफ इन टू एन आर टी ऐसे लिखो तो ये किसी भी गैस का किसी भी गैस के मोल्स का ठीक है किसी भी गैस के मोल्स का एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी है एन मोल्स की एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है वो कितनी होती है 1 F के बराबर। अगर बेटा वन मोल है तो वन बाई टू एफ आर टी के बराबर हो जाएगा फॉर मोल, राइट? मैं लिख रहा हूं फॉर वन मोल एंड एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम अब इसमें भी बेटा अगर मैं आपसे कहूं वन बाई टू एफ के टी इसका मतलब ये वन मोल के नहीं लिए नहीं लग रहा है अब ये वन मॉलिक्यूल के लिए लग रहा है मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी है एक मॉलिक्यूल राइट इसी तरीके से एन मॉलिक्यूल्स हैं तो मैं एन के टी कर दूंगा बात आप समझ रहे हो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा वो थ्री बाई टू के टी मैंने क्यों बोला था तो इसका मतलब वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रहे होंगे तीन यानी कि वो जो थ्री बाई टू के टी फॉर्मुला था दैट वॉज डिफाइंड फॉर अ मोनो एटोमिक गैस क्योंकि मोनो एटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है तीन के बराबर तो जहां भी हम लोगों ने वो फॉर्मूला पीछे पढ़ा था ठीक है हम लोग पेज नंबर सेवेंटी पर हैं हम लोगों ने जहां भी वो फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे जा करके एक पॉइंट लिखो वो तुम फॉर्मूला किसके लिए पढ़ रहे हो है। वो फॉर्मूला तुमने पढ़ा मोनो एटोमिक के लिए आया था ना यस ये देखिए तो ये जो है देखो लिखा भी है साफ लिखा है कायरेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है ना पर मॉलिक्यूल है और ये फॉर्मूला मैं अप्लाई किसके लिए कर रहा हूं फॉर मोनो एटोमिक राइट right? कोई भी मोनो एटोमिक गैस है राइट right? तो यहाँ क्वेश्चन में फिलहाल कोई ऐसी बात किया ही नहीं गया था तो हम लोगों ने मोनो एटोमिक मान करके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया राइट right? लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम लेगा कि नहीं हीलियम है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है ऐसा कुछ नाम बेटा कर लेगा तो फिर तुम्हें दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा राइट डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होते हैं मोनो एटोमिक के लिए पांच होते हैं डाइटॉमिक के लिए और छह होते हैं हमारे पॉली एटोमिक गैसेस के लिए

तो मोल्स अगर निकालोगे तो फाइव बाई थर्टी टू हो जाएंगे सॉरी वन ग्राम है तो वन बाई थर्टी टू हो जाएगा इतने मोल्स वन बाई थर्टी टू मोल्स हो गए इन टू फाइव आर टी फाइव बाई टू आर टी राइट ये क्वेश्चन हो जाएगा अगला क्वेश्चन ये भी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ठीक है कई सारे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दे दिए देखो सेवन बाई टू के टी लिखा है इसका मतलब पॉलीटोमिक की बात कर रहे हैं फाइव बाई टू के टी मतलब डाइटॉमिक की बात कर रहे हैं ठीक है ऐसे ये भी क्वेश्चन आपको करना है ये देखो तुम्हारी एनसीआर बुक का क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस बाय फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं कितना हीट रिक्वायर्ड है अगर टेम्परेचर पंद्रह डिग्री सेल्सियस हमें रेज करना है तो।, तो देखो सबसे पहली बात के मोल्स बताओ अगर वॉल्यूम 44.8 लीटर्स लीटर है तो बेटा मोल्स कितने हो जाएंगे दो मोल के बराबर राइट? हीलियम कैसा होता है मोनोएटॉमिक होता है सीवी जो है बेटा अब डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में सीवी का फॉर्मूला होता है सीवी बराबर आ, वन बाई टू एफ आर के बराबर सीवी का फॉर्मूला कितना होता है वन बाई टू एफ आर के बराबर ठीक है सीपी का जो फॉर्मूला होता है सीपी सीपी का फॉर्मूला होता है भैया मेयर फॉर्मूला कहता है ना सीवी प्लस आर वन बाई टू एफ आर प्लस आर और कर देंगे तो ये हमारा सीपी निकल आएगा सीपी की वैल्यू जो है बेटा दैट इज एफ बाई टू प्लस वन टाइम्स आर ये रहा सीवी का फॉर्मूला ये रहा सीपी का फॉर्मूला यहां से अब इतनी बात हो ही गई है एक चीज और पढ़ लो गामा जो कि सी पी अपॉन सी वी होता है अगर आप रेशियो निकालेंगे तो एफ बाई टू प्लस वन टाइम्स आर डिवाइडेड बाई एफ बाई टू आर आर से आर कैंसिल गामा निकल आएगा एफ बाई टू एफ बाई टू करोगे वन प्लस टू बाई एफ गामा का रिलेशन क्या निकल करके आया डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वन प्लस टू बाई एफ ठीक है वन प्लस टू बाई एफ बेटा तो सीवी जो है जो कि हाफ एफ आर होता है अब तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोडॉमिक की तो ये वाला फॉर्मला यूज करके आपने पहले सीवी निकाल लिया है चेंज इन टेम्परेचर हमें पता है पंद्रह डिग्री सेल्सियस कह लो या पंद्रह कैलविन कह लो बात एक ही है राइट तो हीट कितनी रिक्वायर्ड होती है हमारी तो हीट रिक्वायर्ड जो है दैट इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी एन तो पता है सीवी पता है डेल्टा टी पता है आंसर आएगा ट्री थ्री जूल के बराबर Right? देखो, है. मतलब यही था कि भैया था कांस्टेंट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो सीवी यूज करेंगे तो भाई सीपी सीवी दो दो आ जाते हैं तो अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर बात हो रही है तो सीवी यूज हुआ कॉन्स्टेंट प्रेशर पे बात होती तो हम सीपी यूज करते हैं एन सी पी डेल्टा टी वहां पर यूज होता है फिलहाल मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ आपको राइट right? तो ये क्वेश्चन जो है अब ये मिक्सचर का सी वी निकालने को आपसे कह रहा है राइट right? है यहाँ पर इसी तरीके से गामा मिक्सचर निकालने की बात कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर करना है आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन रख दिए हैं यहाँ पर ठीक है कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर क्वेश्चंस भी आप रख दिया करो तो मैंने इस वाले चैप्टर में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको रख दिए हैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं बहुत सारे होमवर्क में दे दिए हैं बहुत सारे क्या मतलब सात आठ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है कि ट्राई करो अच्छा क्वेश्चन है राइट right? तो ये क्वेश्चंस आप सभी ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस चैप्टर में बेटा एकदम से बढ़ जाएगा अब बेटा देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड पढ़ने के लिए यानी कि डुलोंग पेटेड लॉ पढ़ने के लिए हम लोग को एक लॉ पहले पता होना चाहिए जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ इक्वीपार्टिशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम थर्मल इक्लिब्रियम में है ठीक है कोई भी सिस्टम अगर थर्मल इक्विब्रियम में है तो उसकी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यानी कि इसकी लैंग्वेज को हम लोग लिख सकते हैं इफ अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम If a system is in thermal equilibrium, total energy is distributed equally, total energy is distributed equally among. among all degree of freedom. If a system is in thermal equilibrium, total energy is distributed equally among all degree of freedom. And energy of one molecule. इन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन बाई टू के ई ठीक है जहां पर के क्या होता है बोल्डमैन कॉन्स्टेंट यहां पर आपको लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन देखो क्या बताता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन कहता है इफ अ सिस्टम ज इन थर्मल इक्म टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल इन वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन बाई टू के एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी है बेटा वो वन बाई टू के टी के बराबर होती है राइट right? अब अगर मैं फॉर एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखू जरूरी तो नहीं है कि केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो अगर f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो बेटा एनर्जी बन जाएगी उसकी वन बाई टू एफ टाइम्स ए टी राइट एक मॉलिक्यूल की f डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी हमारे पास आ गई वन बाई टू एफ ए टी के बराबर राइट right? अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं और मोनो uh, एटॉमिक और मोनो एटॉमिक गैस बेटा मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री के बराबर होती है उसकी एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी दैट विल बिकम थ्री बाई टू के टी है ना? तो एक मॉलिक्यूल है उसकी थ्री बाई टू के टी हो जाएगी मोनो एटॉमिक। और डाई एटॉमिक, अगर कोई डाई एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा पाँच के बराबर है तो उसकी एनर्जी हो जाएगी फाइव बाई टू के टी के बराबर ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पीछे और पॉली एटॉमिक गैस अगर कोई पॉली एटॉमिक गैस है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा छः के बराबर है तो ये हो जाएगा सिक्स बाई टू यानी कि थ्री थ्री के टी के बराबर ठीक है लेकिन ये बात किसके लिए हो रही है एक एक मॉलिक्यूल के लिए हो रही है अब एक मॉलिक्यूल की बजाय अगर मैं एन मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो सारे फॉर्मूले में एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट सिमिलरली अगर मैं फॉर वन मोल गैस अगर मैं एक मोल गैस की बात करता हूं तो बेटा टोटल एनर्जी जो है मैं आपको बताऊं दैट इज वन बाई टू एफ के टी होता है एक मॉलिक्यूल का अगर मैं इसमें एवागा नंबर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई वन मोल की बात हो गई क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने एटम्स होते हैं नंबर के बराबर उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब टोटल एनर्जी आएगी ये जो बोल्डमैन कांस्टेंट है और एवागा नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है वही आर कहलाता है तो वन बाई टू एफ इन टू आर टी दैट विल बिकम फॉर्मूला फॉर वन मोल राइट है अब ये इंटरनल एनर्जी निकल करके आ गई टोटल एनर्जी निकल करके आ गई है वन मोल आइडियल गैस की एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में ऐसे बेटा अगर एन मोल्स हो जाएंगे तो हम इसमें N का मल्टीप्लाई कर देंगे राइट अब देखो एक चीज यहां पर और समझो यानी कि फॉर वन मोल गैस फॉर वन मोल गैस अगर मैं एक मोल गैस की बेटा बात करूं तो उसकी टोटल एनर्जी होती है वन बाई टू एफ वन बाई टू एफ इंटू आर टी के बराबर राइट right? अब हमको एक बात और पता है कि स्पेसिफिक हीट जो है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एज वी नो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं सी वी जो है वो डी यू बाई डी टी के बराबर होता है तो बेटा जब यहां से हम डी यू बाई डी टी करते डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो दैट सिंपली बिकम्स वन बाई टू एफ आर के बराबर सी वी की वैल्यू हाफ एफ आर है तो सीपी हम लोगों ने निकाला था मेयर्स फॉर्मूला से सी वी प्लस आर होता है यानी कि वन बाई टू एफ आर प्लस आर इसको हम लोग लिख सकते थे एफ बाई टू प्लस वन टाइम्स आर के बराबर यहीं से गामा हम लोगों ने निकाला दैट वॉज सी पी अपन सी वी जैसे ही इसका इसका रेशियो लिया था वैल्यू आई थी वन प्लस टू बाई एफ के बराबर तो ये गामा की वैल्यू निकल आई ठीक है ये गामा वही है आपका एब एडियाटिक प्रोसेस के लिए पी की पावर गामा बराबर कॉन्स्टेंट याद करो पी वही वाला गामा है अब गामा निकालने के और भी तरीके हैं क्या अगर मैं गामा की वैल्यू निकालू मोनो एटोमिक गैस के लिए कोई मोनो एटोमिक गैस है हीलियम है मान लो गामा निकालना है हमें तो फार्मूला क्या हो जाएगा वन प्लस टू बाई थ्री के बराबर यानी कि फाइव बाई थ्री वैल्यू आ जाएगी मैं आपसे कहूँ बेटा गामा मेरे को निकालना है किसी भी डाई एटोमिक गैस के लिए तो उसका गामा होता है वन प्लस टू बाई फाइव यानी कि सेवन अपॉन फाइव के बराबर मैं आपसे कहूं गामा निकालना है पॉली एटॉमिक गैस का पॉली एटॉमिक गैस का गामा निकालना है तो वन प्लस टू बाई सिक्स हो जाएगा तो एट बाई सिक्स हो जाएगा यानी कि फोर बाई थ्री निकल करके आ जाएगा इस तरीके से बेटा हम लोग गामा जो है निकाल सकते अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था मैंने होमवर्क में आपको फिलहाल दे रखा है उस क्वेश्चन में बोला गया कि भैया गामा मिक्सचर निकाल दीजिए गामा मिक्सचर बेटा निकालोगे तो आपको सीपी मिक्सचर निकालना पड़ेगा अपॉन सीबी मिक्सचर निकालना पड़ेगा तो वो वाला क्वेश्चन कर लो बाकी उस वैरायटी के जो क्वेश्चन है ना वो बेसिकली जेई और नीट के लिए होते हैं बट मैंने आपको हिंट दे दिया है कि भाई ठीक है आप जान लो तो इस तरीके से गामा निकाला जा सकता है सीपी सीबी निकाला जा सकता है

स्पेसिफिक तो हीट है वो कितना होता है बेटा थ्री आर के बराबर यानी कि सॉलिड के लिए सीपीसी भी तो निकलेगा नहीं सॉलिड के लिए आप सीधे सीधे सी निकालते हो स्पेसिफिक हीट फॉर एनी सॉलिड इज सिंपली इक्वल टू थ्री आर कभी भी यूज करना हो आप सीधे सीधे थ्री आर लेकर के उसको सॉल्व कर सकते हो राइट प्रूफ में हमसे कह रहे हैं कि भाई सॉलिड में एटम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन

ठीक है मोनाटॉमिक की बात चल रही है टोटल एनर्जी जो हो जाती है बेटा थ्री बाई टू प्लस थ्री बाई टू करोगे तो थ्री के टी के बराबर जाएगी, राइट ये एक मॉलिक्यूल की है एक मोल की मैं बात करूंगा तो यही थ्री आर टी के बराबर हो जाएगा क्योंकि मैंने अब नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है ठीक है अब अगर बात कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर चल रही है तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक जब आप लगाएंगे तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा है ना क्योंकि जो भी हीट सप्लाई होगा वो सारी की सारी हीट किस में जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हम क्या निकाल सकते हैं सीवी अभी हम पीछे वैसे भी पढ़ चुके हैं कि सीवी बराबर डी यू बाई डी टी जैसे डी यू करोगे थ्री आर के बराबर सीवी निकल कर आ जाएगा दिस प्रूव ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ यानी सीवी की वैल्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और सॉलिड में वॉल्यूम हमेशा क्या होता है बेटा कॉन्स्टेंट होता है सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ पढ़ो This law signifies the fact that heat energy required to raise the temperature of sample of a metal depends on the total number of atoms present in the sample and do not on the mass of the individual atoms of the metal. हर एक आटम के मास पर डिपेंडेंट नहीं है. कितने आटम्स हैं इस पर डिपेंडेंट हो जाएगा. Since one mole of every metal contains Avogadro number of atoms, so molar specific heat is same near at the room temperature. यानी कि रूम टेम्परेचर पर लगभग लगभग सभी सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो थ्री आर के बराबर होती है अब यहां पर एक दो चीजें बेटा और है है तब तक मैं इसको सेव कर रहा दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 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 के लिए बात करो भाई water जो है, उसका फॉर्मूला होता है एच टू ओ तो हाइड्रोजन के दो एटम है ऑक्सीजन का एक एटम है यानी टोटल कितने एटम हो गए तीन अब बेटा किसी भी एक एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकला था अभी या किसी एक एटम के लिए एनर्जी कितनी निकली थी थ्री के टी के बराबर राइट यहां पर कितने हैं तीन हैं

नेक्स्ट है मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ का मतलब यह है कि भाई रैंडम मोशन में होते हैं मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते रहते हैं गैस के एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से चला यहाँ गया उसका कोलिजन हो गया लेमडा वन डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया फिर यहाँ से यहाँ गया कोलिजन हो गया लेमडा टू डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ आया कोलिजन हुआ लेमडा थ्री डिस्टेंस ऐसे यहाँ से यहाँ चला गया लेमडा फोर डिस्टेंस ऐसे ऐसे डेढ़ सारे डिस्टेंसेज बार बार कोलिजन हो रहा है इन सारी डिस्टेंसेज का जब एवरेज निकालते हैं तो उस एवरेज को कहा जाता है बेटा मीन फ्री पाथ पढ़ो मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस रैपिड एंड रैंडम मोशन एज दीज मॉलिक्यूल साइज सो दे कोलाइड अगेंस्ट वन फ्रीक्वेंटली को छोटा साइज है मॉलिक्यूल्स का बार 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 एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता है दिस बट आफ्टर एवरी डायरेक्शन जैसे यहां से यहां हुआ, अब देखो डायरेक्शन ये हो गया मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा हेंस ईच मॉलिक्यूल फॉलो ऑफ स्ट्रेट लाइन जिगजैग पाथ हर एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में जिग जैक पाथ में इधर उधर मूव करता रहता है ठीक है इन सारे डिस्टेंसेज का जो एवरेज है देख लो लेन प्लस टू प्लस एन डिवाइडेड बाई एन करेंगे तो हमें आएगा मीन फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ का सीधे सीधे फॉर्मूला आपको बताया गया है दिस इज इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज के टी अपॉन अंडर टू पाई डी स्क्वायर पी के बराबर राइट ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इस पर जेई मेन्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्जाम दिया था तब इसी फार्मूले पर जबकि कोई इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है सिलेबस में आपके सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए और इसी फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया है एटलीस्ट फार्मूला आपको आइडिया होना चाहिए कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी क्या है वाई डाईमीटर है ना डाईमीटर तो ये आपको फॉर्मूला एटलीस्ट पता होना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं राइट तो ये था हमारा पूरा चैप्टर होमवर्क क्या है सबसे पहला होमवर्क है आपका प्रैक्टिस शीट आपको सॉल्व करनी है इस चैप्टर की दूसरा होमवर्क है जो मैंने आपको क्वेश्चंस आज दिए हैं ठीक है होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आज आपको दिए हैं होमवर्क वाले वो आपको करना है ठीक है और साथ ही साथ एनसीआर बुक की एक्सरसाइज अगर आप कर पाए है ना एन बुक के कुछ क्वेश्चंस तो मैं ऑलरेडी करा देता हूं आपको हर लेक्चर में एनसीआरटी बुक के क्वेश्चंस अगर आप कर पाएंगे तो थोड़ा आप लोग के लिए और अच्छा रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत ही आसान चैप्टर है ठीक है छोटा सा चैप्टर है और छोटे छोटे फार्मूले हैं इसमें फार्मूले कई सारे हैं एक डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ गैस का बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा पूछे आने के चांसेस हैं राइट उसके बेसिस पर बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ इनका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेलू एक्स लॉ अगर स्कूल में पढ़ाया जाए तो ठीक है नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं डाल्टन लॉ पार्शल प्रेशर पर भी यही बात अप्लाई होती है अगर पढ़ाया गया तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं ठीक है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है राइट तो ये जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाए हैं और ध्यान से उनको रिवाइज करिएगा मिलते हैं अपने सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर